एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब्बास। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है बर्फी। दोस्तों, मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस होती हैं वो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं ईयर की, बॉलीवुड की। और अपने चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। बर्फी सन 2012 की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा और रोमांटिक मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है अनुराग बासु के थ्रू। और मूवी की कहानी को लिखा गया है अनुराग बासु के थ्रू, और स्क्रीन प्ले भी अनुराग बासु के थ्रू किया गया है। और डायलॉग जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं संजीव दत्ता के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर के थ्रू। और मेन किरदार मूवी में निभाते हुए आपको नज़र आएंगे एलियाना डिक्रूज, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, सौरभ शुक्ला, आशीष विद्यार्थी, हरधन बंदोपाध्याय और जिशु सेनगुप्ता। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है रवि वर्मन के थ्रू और एडिटिंग की गई है अवीक अली के थ्रू। एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू। एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी इशाना मूवीज़ और यूटीवी मोशन पिक्चर्स। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 14 सितंबर 2012 को। मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 150 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी 300 मिलियन रुपीज़ के बजट पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा बिजनेस हिट किया। और 1.75 से जो इसका मतलब आकी गई आंकड़ा है जो बॉक्स ऑफिस पर इसने हिट किया है वो 1.88 बिलियन रुपीज़ का इसने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बात करूं तो मूवी ने IMDb पर भी अपनी छाप छोड़ी है और 10 में से IMDb ने 8.2 की रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी वाकई में बेहतरीन है। और इस मूवी को अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मूवी के अंदर आनंद आने वाला है। एंड दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि यह मूवी सन 2012 में टॉप 10 मूवीज़ में से 6ठा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी भी है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मूवी के थोड़ा प्लॉट के बारे में कि मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है, मूवी की कहानी क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिल्म में 1972 और 1978 का वर्तमान का समय दिखाया गया है, मतलब तीन कहानी, एक तरह से तीन समय दिखाए गए हैं मूवी में, एक 1972 का, एक 1978 का और वर्तमान समय, तीन समय दिखाए जाते हैं। सभी दौर की कहानी एक साथ चलती रहती है, जिसे कई लोग सुनते रहते हैं। इस वजह से यह फिल्म देखते समय दिमाग सिनेमाघर में लाना पड़ता है, मतलब जैसे कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो पूरा आपको फोकस इसमें करना पड़ेगा। दार्जिलिंग में रहने वाली बर्फी एक ड्राइवर का बेटा है, उसे संपन्न परिवार की श्रुति चाहती है जिसकी सगाई किसी और से हो चुकी है।
श्रुषि यह बात अपनी माँ को बताती है। माँ द्वारा अपनी बेटी को समझाने वाला दृश्य भी बेहतरीन इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। श्रुति को उसकी माँ ऐसी जगह ले जाती है जहाँ कुछ लोग लकड़ियाँ काटते रहते हैं। उसमें से एक की ओर इशारा करती हुई माँ कहती है कि जवानी में वह उसे चाहती थी, लेकिन यदि उसके साथ शादी करती तो ऐसा आराम और सुविधा वह मतलब नहीं भोग पाती, ऐसी ज़िंदगी वो नहीं जी पाती। इस तरह से कई शानदार दृश्य फिल्में हैं जिनमें क्लाइमैक्स वाले दृश्य का उल्लेख ज़रूरी है। अनाथालय में झिलमिल को ढूंढते हुए बर्फी आता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। जब वह श्रुति के साथ वापस जा रहा होता है तब पीछे से झिलमिल उसे आवाज़ लगाती है, लेकिन सुनने में SMS बर्फी को पता नहीं चलता कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। श्रुति यह बात अच्छे से जानती है कि यदि बर्फी झिलमिल का पता लगा लेता है तो बर्फी को खो देगा वह वह बर्फी को खो देगी। यहाँ पर श्रुति की प्रेम की परीक्षा है कि वह स्वार्थी बन जाए और चुप रहे, या उनके लिए अपने प्रेम की खुशी की मतलब उनको कुर्बान कर दे, इस टाइप का। फिल्म की कहानी थोड़ी छोट लेकर मतलब सीन लिखा गया है, लेकिन फिल्म के अंदर फिर भी काफ़ी उमदा सीन है। तो दोस्तों को मतलब सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो फिर भी आप मूवी अगर देखते हैं तो डेफिनेटली मूवी आपको पसंद आएगी। और पूरी कहानी डिटेल में जानने के लिए आप मूवी देखिएगा। और इसके कुछ सॉन्ग्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सॉन्ग्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे, लेकिन सॉन्ग ज़्यादा कुछ खास मूवी के हैं नहीं। मूवी के अंदर पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा मैं क्या करूं, दूसरा सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा फिर ले आया, और थर्ड सॉन्ग होगा आशियां, फोर्थ आशाएं, और फोर्थ सॉन्ग होगा क्यों, फिफ्थ सॉन्ग होगा आला बर्फी, एंड सिक्स सॉन्ग होगा फिर ले आया दिल, एंड सेवन सॉन्ग मूवी में आपको देखने के लिए सवाली सी रात, एट सॉन्ग होगा आशिया का ड्यूट वर्जन, और नाइन्थ सॉन्ग आपको फिर ले आया दिल का रिडक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, और आला बर्फी का लास्ट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा 10th में। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बर्फी। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं ईयर की बॉलीवुड की, और अपने चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के क्लिप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। बर्फी सन 2012 की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा और रोमांटिक मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनुराग बासु के थ्रू, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अनुराग बासु के थ्रू, और स्क्रीन प्ले भी अनुराग बासु के थ्रू किया गया है, और डायलॉग जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं संजीव दत्ता के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर के थ्रू, और मेन किरदार मूवी में निभाते हुए आपको नज़र आएंगे एलियाना डिक्रूज, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, सौरभ शुक्ला, आशीष विद्यार्थी, हरधन बंदोपाध्याय और जिशु सेनगुप्ता। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है रवि वर्मन के थ्रू, और एडिटिंग की गई है अवीक अली के थ्रू, एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी इशाना मूवीज़ और UTV मोशन पिक्चर्स। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था UTV मोशन पिक्चर्स के थ्रू, एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 14 सितंबर 2012 को। मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 150 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी 300 मिलियन रुपीज़ के बजट पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा बिजनेस हिट किया, और 1.75 से जो इसका मतलब आकी गई आंकड़ा है जो बॉक्स ऑफिस पर इसने हिट किया है वो 1.88 बिलियन रुपीज़ का इसने बॉक्स ऑफिस पर बिज़नेस हिट किया है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूं तो मूवी ने IMDb पर भी अपनी छाप छोड़ी है, और 10 में से IMDb ने 8.2 की रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी वाकई में बेहतरीन है, और इस मूवी को अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मूवी के अंदर आनंद आने वाला है। एंड दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि यह मूवी सन 2012 में टॉप 10 मूवीज़ में से छठा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी भी है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के थोड़ा प्लॉट के बारे में कि मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है, मूवी की कहानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ।
फिल्म में 1972 और 1978 का वर्तमान का समय दिखाया गया है। मतलब तीन कहानी, एक तरह से तीन समय दिखाए गए हैं मूवी में, एक 1972 का, एक 1978 का और वर्तमान समय, तीन समय दिखाए जाते हैं। सभी दौर की कहानी एक साथ चलती रहती है जिसे कई लोग सुनते रहते हैं। इस वजह से यह फिल्म देखते समय दिमाग सिनेमाघर में लाना पड़ता है। मतलब जैसे कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो पूरा आपको फोकस इसमें करना पड़ेगा। दार्जिलिंग में रहने वाली बर्फी एक ड्राइवर का बेटा है, उसे संपन्न परिवार की श्रुति चाहती है जिसकी सगाई किसी और से हो चुकी है। श्रुति यह बात अपनी माँ को बताती है। माँ द्वारा अपनी बेटी को समझाने वाला दृश्य भी बेहतरीन इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। श्रुति को उसकी माँ ऐसी जगह ले जाती है जहाँ कुछ लोग लकड़ियाँ काटते रहते हैं। उसमें से एक की ओर इशारा करती हुई माँ कहती है कि जवानी में वह उसे चाहती थी, लेकिन यदि उसके साथ शादी करती तो ऐसा आराम और सुविधा वह मतलब नहीं भोग पाती, ऐसी ज़िंदगी वो नहीं जी पाती। इस तरह से कई शानदार दृश्य फिल्में हैं जिनमें क्लाइमैक्स वाले दृश्य का उल्लेख ज़रूरी है। अनाथालय में झिलमिल को ढूंढते हुए बर्फी आता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। जब वह श्रुति के साथ वापस जा रहा होता है तब पीछे से झिलमिल उसे आवाज़ लगाती है, लेकिन सुनने में ऐसा मत बर्फी को पता नहीं चलता कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। श्रुति यह बात अच्छे से जानती है कि यदि बर्फी झिलमिल का पता लगा लेता है तो बर्फी को खो देगा वह बर्फी मतलब तो वह बर्फी को खो देगी। यहाँ पर श्रुति की प्रेम की परीक्षा है कि वह स्वार्थी बन जाए और चुप रहे, या उनके लिए अपने प्रेम की खुशी की मतलब उनको कुर्बान कर दे, इस टाइप का। फिल्म की कहानी थोड़ी छोट लेकर मतलब सीन लिखा गया है, लेकिन जिसमें लेकिन फिल्म के अंदर फिर भी काफ़ी उमदा सीन है। तो दोस्तों अगर मतलब सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो फिर भी आप मूवी अगर देखते हैं तो डेफिनेटली मूवी आपको पसंद आएगी। और पूरी कहानी डिटेल में जानने के लिए आप मूवी देखिएगा। और इसके कुछ सॉन्ग्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सॉन्ग्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे, लेकिन सॉन्ग ज़्यादा कुछ खास मूवी के हैं नहीं। मूवी के अंदर पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा मैं क्या करूं, दूसरा सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा फिर ले आया, और थर्ड सॉन्ग होगा आशियां, फोर्थ आशाएं, और फोर्थ सॉन्ग होगा क्यों, फिफ्थ सॉन्ग होगा आला बर्फी, एंड सिक्स सॉन्ग होगा फिर ले आया दिल, एंड सेवन सॉन्ग मूवी में आपको देखने के लिए सवाली सी रात, एट सॉन्ग होगा आशिया का ड्यूट वर्जन, और नाइन्थ सॉन्ग आपको फिर ले आया दिल का रिडक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, और आला बर्फी का लास्ट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा 10th वन। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बर्फी। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं ईयर की बॉलीवुड की, और अपने चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के क्लिप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। बर्फी सन 2012 की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा और रोमांटिक मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनुराग बासु के थ्रू, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अनुराग बासु के थ्रू, और स्क्रीन प्ले भी अनुराग बासु के थ्रू किया गया है, और डायलॉग जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं संजीव दत्ता के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर के थ्रू, और मेन किरदार मूवी में निभाते हुए आपको नज़र आएंगे एलियाना डिक्रूज, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, सौरभ शुक्ला, आशीष विद्यार्थी, हरधन बंदोपाध्याय और जिशु सेन गुप्ता। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है रवि वर्मन के थ्रू, और एडिटिंग की गई है अवीक अली के थ्रू, एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी इशाना मूवीज़ और यूटीवी मोशन पिक्चर्स। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू, एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 14 सितंबर सन 2012 को। मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 150 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी 300 मिलियन रुपीस के बजट पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा बिजनेस हिट किया, और 1.75 से जो इसका मतलब आकी गई आंकड़ा है जो बॉक्स ऑफिस पर इसने हिट किया है वो 1.88 बिलियन रुपीस का इसने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया है।
साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूं तो मूवी ने IMDb पर भी अपनी छाप छोड़ी है और 10 में से IMDb ने 8.2 की रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी वाकई में बेहतरीन है और इस मूवी को अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मूवी के अंदर आनंद आने वाला है। एंड दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि यह मूवी सन 2012 में टॉप 10 मूवीज़ में से छठा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी भी है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के थोड़ा प्लॉट के बारे में कि मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है, मूवी की कहानी क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिल्म में 1972 और 1978 का वर्तमान का समय दिखाया गया है, मतलब तीन कहानी, एक तरह से तीन समय दिखाए गए हैं मूवी में, एक 1972 का, एक 1978 का और वर्तमान समय, तीन समय दिखाए जाते हैं। सभी दौर की कहानी एक साथ चलती रहती है जिसे कई लोग सुनते रहते हैं, इस वजह से यह फिल्म देखने ते समय दिमाग सिनेमाघर में लाना पड़ता है, मतलब जैसे कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो पूरा आपको फोकस इसमें करना पड़ेगा। दार्जिलिंग में रहने वाली बर्फी एक ड्राइवर का बेटा है, उसे संपन्न परिवार की श्रुति चाहती है जिसकी सगाई किसी और से हो चुकी है। श्रुति यह बात अपनी माँ को बताती है, माँ द्वारा अपनी बेटी को समझाने वाला दृश्य भी बेहतरीन इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। श्रुति को उसकी माँ ऐसी जगह ले जाती है जहाँ कुछ लोग लकड़ियाँ काटते रहते हैं, उसमें से एक की ओर इशारा करती हुई माँ कहती है कि जवानी में वह उसे चाहती थी लेकिन यदि उसके साथ शादी करती तो ऐसा आराम और सुविधा वह मतलब नहीं भोग पाती, ऐसी ज़िंदगी वो नहीं जी पाती। इस तरह से कई शानदार दृश्य फिल्में हैं जिनमें क्लाइमैक्स वाले दृश्य का उल्लेख ज़रूरी है। अनाथालय में झिलमिल को ढूंढते हुए बर्फी आता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। जब वह श्रुति के साथ वापस जा रहा होता है तब पीछे से झिलमिल उसे आवाज़ लगाती है लेकिन सुनने में ऐसा मत बर्फी को पता नहीं चलता कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। श्रुति यह बात अच्छे से जानती है कि यदि बर्फी झिलमिल का पता लगा लेता है तो बर्फी को खो देगा, वह बर्फी को खो देगी। यहाँ पर श्रुति की प्रेम की परीक्षा है कि वह स्वार्थी बन जाए और चुप रहे या उनके लिए अपने प्रेम की खुशी की मतलब उनको कुर्बान कर दे, इस टाइप का। फिल्म की कहानी थोड़ी छोट लेकर मतलब सीन लिखा गया है लेकिन जिसमें लेकिन फिल्म के अंदर फिर भी काफ़ी उमदा सीन है। तो दोस्तों का मतलब सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो फिर भी आप मूवी अगर देखते हैं तो डेफिनेटली मूवी आपको पसंद आएगी। और पूरी कहानी डिटेल में जानने के लिए आप मूवी देखिएगा। और इसके कुछ सॉन्ग्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सॉन्ग्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे लेकिन सॉन्ग्स ज़्यादा कुछ खास मूवी के हैं नहीं। मूवी के अंदर पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा मैं क्या करूं, दूसरा सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा फिर ले आया, और थर्ड सॉन्ग होगा आशियां, फोर्थ आशाएं, और फोर्थ सॉन्ग होगा क्यों, फिफ्थ सॉन्ग होगा आला बर्फी, एंड सिक्स सॉन्ग होगा फिर ले आया दिल, एंड सेवन सॉन्ग मूवी में आपको देखने के लिए सवाली सी रात, एट सॉन्ग होगा आशिया का ड्यूट वर्जन, और नाइन्थ सॉन्ग आपको फिर ले आया दिल का रिडक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, और आला बर्फी का लास्ट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा 10th वां। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बर्फी। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस होती हैं वो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं ईयर की बॉलीवुड की, और अपने चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के क्लिप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। बर्फी सन 2012 की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा और रोमांटिक मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनुराग बासु के थ्रू, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अनुराग बासु के थ्रू, और स्क्रीन प्ले भी अनुराग बासु के थ्रू किया गया है, और डायलॉग जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं संजीव दत्ता के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर के थ्रू, और मेन किरदार मूवी में निभाते हुए आपको नज़र आएंगे एलियाना डिक्रूज, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, सौरभ शुक्ला, आशीष विद्यार्थी, हरधन बंदोपाध्याय और जिशु सेनगुप्ता। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है रवि वर्मन के थ्रू, और एडिटिंग की गई है अवीक अली के थ्रू, एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी ईशाना मूवीज़ और
यूटीवी मोशन पिक्चर्स। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 14 सितंबर सन 2012 को। मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 150 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी 300 मिलियन रुपीज़ के बजट पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा बिजनेस हिट किया और 1.75 से जो इसका मतलब आकी गई आंकड़ा है जो बॉक्स ऑफिस पर इसने हिट किया है वो 1.88 बिलियन रुपीज़ का इसने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूं तो मूवी ने IMDb पर भी अपनी छाप छोड़ी है और 10 में से IMDb ने 8.2 की रेटिंग प्राप्त की है जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी वाकई में बेहतरीन है और इस मूवी को अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मूवी के अंदर आनंद आने वाला है। एंड दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि यह मूवी सन 2012 में टॉप 10 मूवीज़ में से 6ठा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी भी है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के थोड़ा प्लॉट के बारे में कि मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है, मूवी की कहानी क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिल्म में 1972 और 1978 का वर्तमान का समय दिखाया गया है, मतलब तीन कहानी एक तरह से तीन समय दिखाए गए हैं मूवी में, एक 1972 का, एक 1978 का और वर्तमान समय, तीन समय दिखाए जाते हैं। सभी दौर की कहानी एक साथ चलती रहती है जिसे कई लोग सुनते रहते हैं, इस वजह से यह फिल्म देखते समय दिमाग सिनेमाघर में लाना पड़ता है, मतलब जैसे कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो पूरा आपको फोकस इसमें करना पड़ेगा। दार्जिलिंग में रहने वाली बर्फी एक ड्राइवर का बेटा है, उसे संपन्न परिवार की श्रुति चाहती है जिसकी सगाई किसी और से हो चुकी है। श्रुति यह बात अपनी माँ को बताती है, माँ द्वारा अपनी बेटी को समझाने वाला दृश्य भी बेहतरीन इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। श्रुति को उसकी माँ ऐसी जगह ले जाती है जहाँ कुछ लोग लकड़ियाँ काटते रहते हैं, उसमें से एक की ओर इशारा करती हुई माँ कहती है कि जवानी में वह उसे चाहती थी लेकिन यदि उसके साथ शादी करती तो ऐसा आराम और सुविधा वह मतलब नहीं भोग पाती, ऐसी ज़िंदगी वो नहीं जी पाती। इस तरह से कई शानदार दृश्य फिल्में हैं जिनमें क्लाइमैक्स वाले दृश्य का उल्लेख ज़रूरी है। अनाथालय में झिलमिल को ढूंढते हुए बर्फी आता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। जब वह श्रुति के साथ वापस जा रहा होता है तब पीछे से झिलमिल उसे आवाज़ लगाती है लेकिन सुनने में SMS बर्फी को पता नहीं चलता कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। श्रुति यह बात अच्छे से जानती है कि यदि बर्फी झिलमिल का पता लगा लेता है तो बर्फी को खो देगा, वह बर्फी को खो देगी। यहाँ पर श्रुति की प्रेम की परीक्षा है कि वह स्वार्थी बन जाए और चुप रहे या उनके लिए अपने प्रेम की खुशी की मतलब उनको कुर्बान कर दे, इस टाइप का। फिल्म की कहानी थोड़ी छोट लेकर मतलब सीन लिखा गया है लेकिन फिल्म के अंदर फिर भी काफ़ी उमदा सीन है। तो दोस्तों अगर मतलब सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो फिर भी आप मूवी अगर देखते हैं तो डेफिनेटली मूवी आपको पसंद आएगी। और पूरी कहानी डिटेल में जानने के लिए आप मूवी देखिएगा। और इसके कुछ सॉन्ग्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सॉन्ग्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे लेकिन सॉन्ग ज़्यादा कुछ खास मूवी के हैं नहीं। मूवी के अंदर पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा मैं क्या करूं, दूसरा सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा फिर ले आया, और थर्ड सॉन्ग होगा आशियां, फोर्थ आशाएं, और फोर्थ सॉन्ग होगा क्यों, फिफ्थ सॉन्ग होगा आला बर्फी, एंड सिक्स सॉन्ग होगा फिर ले आया दिल, एंड सेवन सॉन्ग मूवी में आपको देखने के लिएगा सवाली सी रात, एट सॉन्ग होगा आशिया का ड्यूट वर्जन, और नाइन्थ सॉन्ग आपको फिर ले आया दिल का रिडक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, और आला बर्फी का लास्ट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा 10th में। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बर्फी। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं ईयर की बॉलीवुड की, और अपने चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के क्लिप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। बर्फी सन 2012 की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा और रोमांटिक मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनुराग बासु के थ्रू, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अनुराग बासु के थ्रू, और स्क्रीन प्ले भी अनुराग बासु के थ्रू किया गया है, और डायलॉग जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं संजीव दत्ता के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर के थ्रू,
और मेन किरदार मूवी में निभाते हुए आपको नजर आएंगे एलियाना डिक्रूज, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, सौरभ शुक्ला, आशीष विद्यार्थी, हरनंद हरधन बंदोपाध्याय और जिशु सेनगुप्ता। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है रवि वर्मन के थ्रू और एडिटिंग की गई है अवीक अली के थ्रू एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी ईशाना मूवीज़ और यूटीवी मोशन पिक्चर्स। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 14 सितंबर 2012 को। मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 150 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी 300 मिलियन रुपीज़ के बजट पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा बिजनेस हिट किया और 1.75 से जो इसका मतलब आखिरी गई आंकड़ा है जो बॉक्स ऑफिस पर इसने हिट किया है वो 1.88 बिलियन रुपीज़ का इसने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूँ तो मूवी ने IMDb पर भी अपनी छाप छोड़ी है और 10 में से IMDb ने 8.2 की रेटिंग प्राप्त की है जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी वाकई में बेहतरीन है और इस मूवी को अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मूवी के अंदर आनंद आने वाला है। एंड दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि यह मूवी सन 2012 में टॉप 10 मूवीज़ में से छठा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी भी है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के थोड़ा प्लॉट के बारे में कि मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है, मूवी की कहानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिल्म में 1972 और 1978 का वर्तमान का समय दिखाया गया है, मतलब तीन कहानी एक तरह से तीन समय दिखाए गए हैं मूवी में, एक 1972 का, एक 1978 का और वर्तमान समय, तीन समय दिखाए जाते हैं। सभी दौर की कहानी एक साथ चलती रहती है जिसे कई लोग सुनते रहते हैं, इस वजह से यह फिल्म देखने समय दिमाग सिनेमाघर में लाना पड़ता है, मतलब जैसे कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो पूरा आपको फोकस इसमें करना पड़ेगा। दार्जिलिंग में रहने वाली बर्फी एक ड्राइवर का बेटा है, उसे संपन्न परिवार की श्रुति चाहती है जिसकी सगाई किसी और से हो चुकी है। श्रुति यह बात अपनी माँ को बताती है, माँ द्वारा अपनी बेटी को समझाने वाला दृश्य भी बेहतरीन इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। श्रुति को उसकी माँ ऐसी जगह ले जाती है जहाँ कुछ लोग लकड़ियाँ काटते रहते हैं, उसमें से एक की ओर इशारा करती हुई माँ कहती है कि जवानी में वह उसे चाहती थी लेकिन यदि उसके साथ शादी करती तो ऐसा आराम और सुविधा वह मतलब नहीं भोग पाती, ऐसी ज़िंदगी वो नहीं जी पाती। इस तरह से कई शानदार दृश्य फिल्में हैं जिनमें क्लाइमैक्स वाले दृश्य का उल्लेख ज़रूरी है। अनाथालय में झिलमिल को ढूंढते हुए बर्फी आता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। जब वह श्रुति के साथ वापस जा रहा होता है तब पीछे से झिलमिल उसे आवाज़ लगाती है लेकिन सुनने में ऐसा मत बर्फी को पता नहीं चलता कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। श्रुति यह बात अच्छे से जानती है कि यदि बर्फी झिलमिल का पता लगा लेता है तो बर्फी को खो देगा वह बर्फी मतलब तो वह बर्फी को खो देगी। यहाँ पर श्रुति की प्रेम की परीक्षा है कि वह स्वार्थी बन जाए और चुप रहे या उनके लिए अपने प्रेम की खुशी की मतलब उनको कुर्बान कर दे इस टाइप का। फिल्म की कहानी थोड़ी छोट लेकर मतलब सीन लिखा गया है लेकिन जिसमें लेकिन फिल्म के अंदर फिर भी काफ़ी उमदा सीन है। तो दोस्तों अगर मतलब सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो फिर भी आप मूवी अगर देखते हैं तो डेफिनेटली मूवी आपको पसंद आएगी और पूरी कहानी डिटेल में जानने के लिए आप मूवी देखिएगा। और इसके कुछ सॉन्ग्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सॉन्ग्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे लेकिन सॉन्ग ज़्यादा कुछ खास मूवी के हैं नहीं। मूवी के अंदर पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा मैं क्या करूं, दूसरा सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा फिर ले आया और थर्ड सॉन्ग होगा आशियां, फोर्थ आशाएं और फोर्थ सॉन्ग होगा क्यों, फिफ्थ सॉन्ग होगा आला बर्फी एंड सिक्स सॉन्ग होगा फिर ले आया दिल एंड सेवन सॉन्ग मूवी में आपको देखने के लिए सवाली सी रात, एट सॉन्ग होगा आशिया का ड्यूट वर्जन और नाइन्थ सॉन्ग आपको फिर ले आया दिल का रिडक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा और आला बर्फी का लास्ट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा 10th वन। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बर्फी। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं ईयर की बॉलीवुड की और अपने चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के क्लिप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से।
बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। बर्फी सन 2012 की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा और रोमांटिक मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनुराग बासु के थ्रू और मूवी की कहानी को लिखा गया है अनुराग बासु के थ्रू और स्क्रीन प्ले भी अनुराग बासु के थ्रू किया गया है और डायलॉग जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं संजीव दत्ता के थ्रू एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर के थ्रू और मेन किरदार मूवी में निभाते हुए आपको नज़र आएंगे एलियाना डिक्रूज, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, सौरभ शुक्ला, आशीष विद्यार्थी, हरधन बंदोपाध्याय और जिशु सेन गुप्ता। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है रवि वर्मन के थ्रू और एडिटिंग की गई है अवीक अली के थ्रू एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी इशाना मूवीज़ और यूटीवी मोशन पिक्चर्स। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 14 सितंबर सन 2012 को। मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 150 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी 300 मिलियन रुपीज़ के बजट पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा बिजनेस हिट किया और 1.75 से जो इसका मतलब आखिरी का ही आंकड़ा है जो बॉक्स ऑफिस पर इसने हिट किया है वो 1.88 बिलियन रुपीज़ का इसने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूं तो मूवी ने आईएमडीबी पर भी अपनी छाप छोड़ी है और 10 में से आईएमडीबी ने 8.2 की रेटिंग प्राप्त की है जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी वाकई में बेहतरीन है और इस मूवी को अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मूवी के अंदर आनंद आने वाला है। एंड दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि यह मूवी सन 2012 में टॉप 10 मूवीज़ में से छठा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी भी है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के थोड़ा प्लॉट के बारे में कि मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है, मूवी की कहानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिल्म में 1972 और 1978 का वर्तमान का समय दिखाया गया है, मतलब तीन कहानी, एक तरह से तीन समय दिखाए गए हैं मूवी में, एक 1972 का, एक 1978 का और वर्तमान समय, तीन समय दिखाए जाते हैं। सभी दौर की कहानी एक साथ चलती रहती है जिसे कई लोग सुनते रहते हैं, इस वजह से यह फिल्म देखने समय दिमाग सिनेमाघर में लाना पड़ता है, मतलब जैसे कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो पूरा आपको फोकस इसमें करना पड़ेगा। दार्जिलिंग में रहने वाली बर्फी एक ड्राइवर का बेटा है, उसे संपन्न परिवार की श्रुति चाहती है जिसकी सगाई किसी और से हो चुकी है। श्रुति यह बात अपनी माँ को बताती है, माँ द्वारा अपनी बेटी को समझाने वाला दृश्य भी बेहतरीन इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। श्रुति को उसकी माँ ऐसी जगह ले जाती है जहाँ कुछ लोग लकड़ियाँ काटते रहते हैं, उसमें से एक की ओर इशारा करती हुई माँ कहती है कि जवानी में वह उसे चाहती थी लेकिन यदि उसके साथ शादी करती तो ऐसा आराम और सुविधा वह मतलब नहीं भोग पाती, ऐसी ज़िंदगी वो नहीं जी पाती। इस तरह से कई शानदार दृश्य फिल्में हैं जिनमें क्लाइमैक्स वाले दृश्य का उल्लेख ज़रूरी है। अनाथालय में झिलमिल को ढूंढते हुए बर्फी आता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। जब वह श्रुति के साथ वापस जा रहा होता है तब पीछे से झिलमिल उसे आवाज़ लगाती है लेकिन सुनने में असमर्थ बर्फी को पता नहीं चलता कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। श्रुति यह बात अच्छे से जानती है कि यदि बर्फी झिलमिल का पता लगा लेता है तो बर्फी को खो देगा, वह बर्फी को खो देगी। यहाँ पर श्रुति की प्रेम की परीक्षा है कि वह स्वार्थी बन जाए और चुप रहे या उनके लिए अपने प्रेम की खुशी की मतलब उनको कुर्बान कर दे, इस टाइप का। फिल्म की कहानी थोड़ी छोट लेकर मतलब सीन लिखा गया है लेकिन जिसमें लेकिन फिल्म के अंदर फिर भी काफ़ी उमदा सीन है। तो दोस्तों अगर मतलब सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो फिर भी आप मूवी अगर देखते हैं तो डेफिनेटली मूवी आपको पसंद आएगी और पूरी कहानी डिटेल में जानने के लिए आप मूवी देखिएगा। और इसके कुछ सॉन्ग्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सॉन्ग्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे लेकिन सॉन्ग्स ज़्यादा कुछ खास मूवी के हैं नहीं। मूवी के अंदर पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा मैं क्या करूं, दूसरा सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा फिर ले आया, और थर्ड सॉन्ग होगा आशियां, फोर्थ आशाएं, और फोर्थ सॉन्ग होगा क्यों, फिफ्थ सॉन्ग होगा आला बर्फी, एंड सिक्स सॉन्ग होगा फिर ले आया दिल, एंड सेवन सॉन्ग मूवी में आपको देखने के लिए सवाली सी रात, एट सॉन्ग होगा आशिया का ड्यूट वर्जन, और नाइन्थ सॉन्ग आपको फिर
फिर ले आया दिल का रीडर्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, और आला बर्फी का लास्ट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा 10th में। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बर्फी। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस होती हैं वो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं ईयर की बॉलीवुड की, और अपने चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के क्लिप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। बर्फी सन 2012 की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा और रोमांटिक मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनुराग बासु के थ्रू, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अनुराग बासु के थ्रू, और स्क्रीन प्ले भी अनुराग बासु के थ्रू किया गया है, और डायलॉग जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं संजीव दत्ता के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर के थ्रू, और मेन किरदार मूवी में निभाते हुए आपको नज़र आएंगे एलियाना डिक्रूज, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, सौरभ शुक्ला, आशीष विद्यार्थी, हरधन बंदोपाध्याय और जिशु सेन गुप्ता। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है रवि वर्मन के थ्रू, और एडिटिंग की गई है अवीक अली के थ्रू, एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी इशाना मूवीज़ और UTV मोशन पिक्चर्स। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था UTV मोशन पिक्चर्स के थ्रू, एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 14 सितंबर 2012 को। मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 150 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी 300 मिलियन रुपीज़ के बजट पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा बिजनेस हिट किया, और 1.75 से जो इसका मतलब आकी गई आंकड़ा है जो बॉक्स ऑफिस पर इसने हिट किया है वो 1.88 बिलियन रुपीज़ का इसने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूं तो मूवी ने IMDb पर भी अपनी छाप छोड़ी है, और 10 में से IMDb ने 8.2 की रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी वाकई में बेहतरीन है, और इस मूवी को अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मूवी के अंदर आनंद आने वाला है। एंड दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि यह मूवी सन 2012 में टॉप 10 मूवीज़ में से छठा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी भी है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के थोड़ा प्लॉट के बारे में कि मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है, मूवी की कहानी क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिल्म में 1972 और 1978 का वर्तमान का समय दिखाया गया है, मतलब तीन कहानी एक तरह से तीन समय दिखाए गए हैं मूवी में, 1972 का, 1978 का और वर्तमान समय, तीन समय दिखाए जाते हैं। सभी दौर की कहानी एक साथ चलती रहती है जिसे कई लोग सुनते रहते हैं, इस वजह से यह फिल्म देखते समय दिमाग सिनेमाघर में लाना पड़ता है, मतलब जैसे कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो पूरा आपको फोकस इसमें करना पड़ेगा। दार्जिलिंग में रहने वाली बर्फी एक ड्राइवर का बेटा है, उसे संपन्न परिवार की श्रुति चाहती है जिसकी सगाई किसी और से हो चुकी है। श्रुति यह बात अपनी माँ को बताती है, माँ द्वारा अपनी बेटी को समझाने वाला दृश्य भी बेहतरीन इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। श्रुति को उसकी माँ ऐसी जगह ले जाती है जहाँ कुछ लोग लकड़ियाँ काटते रहते हैं, उसमें से एक की ओर इशारा करती हुई माँ कहती है कि जवानी में वह उसे चाहती थी लेकिन यदि उसके साथ शादी करती तो ऐसा आराम और सुविधा वह मतलब नहीं भोग पाती, ऐसी ज़िंदगी वो नहीं जी पाती। इस तरह से कई शानदार दृश्य फिल्में हैं जिनमें क्लाइमैक्स वाले दृश्य का उल्लेख ज़रूरी है। अनाथालय में झिलमिल को ढूंढते हुए बर्फी आता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। जब वह श्रुति के साथ वापस जा रहा होता है तब पीछे से झिलमिल उसे आवाज़ लगाती है लेकिन सुनने में SMS बर्फी को पता नहीं चलता कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। श्रुति यह बात अच्छे से जानती है कि यदि बर्फी झिलमिल का पता लगा लेता है तो बर्फी को खो देगा, वह बर्फी को खो देगी। यहाँ पर श्रुति की प्रेम की परीक्षा है कि वह स्वार्थी बन जाए और चुप रहे या उनके लिए अपने प्रेम की खुशी की मतलब उनको कुर्बान कर दे, इस टाइप का। फिल्म की कहानी थोड़ी
छोट लेकर मतलब सीन लिखा गया है, लेकिन जिसमें लेकिन फिल्म के अंदर फिर भी काफ़ी उमदा सीन है। तो दोस्तों को मतलब सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो फिर भी आप मूवी अगर देखते हैं तो डेफिनेटली मूवी आपको पसंद आएगी। और पूरी कहानी डिटेल में जानने के लिए आप मूवी देखिएगा। और इसके कुछ सॉन्ग्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सॉन्ग्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे, लेकिन सॉन्ग ज़्यादा कुछ खास मूवी के हैं नहीं। मूवी के अंदर पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा मैं क्या करूँ, दूसरा सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा फिर ले आया, और थर्ड सॉन्ग होगा आशियाँ, फोर्थ आशाएँ, और फोर्थ सॉन्ग होगा क्यों, फिफ्थ सॉन्ग होगा आला बर्फी, एंड सिक्स सॉन्ग होगा फिर ले आया दिल, एंड सेवन सॉन्ग मूवी में आपको देखने के लिए सवाली सी रात, एट सॉन्ग होगा आशिया का ड्यूट वर्जन, और नाइन्थ सॉन्ग आपको फिर ले आया दिल का रिडक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, और आला बर्फी का लास्ट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा टेंथ में। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बर्फी। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं ईयर की बॉलीवुड की, और अपने चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के क्लिप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। बर्फी सन 2012 की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा और रोमांटिक मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनुराग बासु के थ्रू, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अनुराग बासु के थ्रू, और स्क्रीन प्ले भी अनुराग बासु के थ्रू किया गया है, और डायलॉग जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं संजीव दत्ता के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर के थ्रू, और मेन किरदार मूवी में निभाते हुए आपको नज़र आएंगे एलियाना डिक्रूज, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, सौरभ शुक्ला, आशीष विद्यार्थी, हरधन बंदोपाध्याय और जिशु सेनगुप्ता। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है रवि वर्मन के थ्रू, और एडिटिंग की गई है अवीक अली के थ्रू, एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी इशारा मूवीज़ और यूटीवी मोशन पिक्चर्स। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू, एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 14 सितंबर 2012 को। मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 150 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी 300 मिलियन रुपीज़ के बजट पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा बिजनेस हिट किया, और 1.75 से जो इसका मतलब आकी गई आंकड़ा है जो बॉक्स ऑफिस पर इसने हिट किया है वो 1.88 बिलियन रुपीज़ का इसने बॉक्स ऑफिस पर बिज़नेस हिट किया है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूँ तो मूवी ने IMDb पर भी अपनी छाप छोड़ी है, और 10 में से IMDb ने 8.2 की रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी वाकई में बेहतरीन है, और इस मूवी को अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मूवी के अंदर आनंद आने वाला है। एंड दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि यह मूवी सन 2012 में टॉप 10 मूवीज़ में से छठा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी भी है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के थोड़ा प्लॉट के बारे में कि मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है, मूवी की कहानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिल्म में 1972 और 1978 का वर्तमान का समय दिखाया गया है, मतलब तीन कहानी एक तरह से तीन समय दिखाए गए हैं मूवी में, एक 1972 का, एक 1978 का और वर्तमान समय, तीन समय दिखाए जाते हैं। सभी दौर की कहानी एक साथ चलती रहती है जिसे कई लोग सुनते रहते हैं, इस वजह से यह फिल्म देखने समय दिमाग सिनेमाघर में लाना पड़ता है, मतलब जैसे कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो पूरा आपको फोकस इसमें करना पड़ेगा। दार्जिलिंग में रहने वाली बर्फी एक ड्राइवर का बेटा है, उसे संपन्न परिवार की श्रुति चाहती है जिसकी सगाई किसी और से हो चुकी है। श्रुति यह बात अपनी माँ को बताती है, माँ द्वारा अपनी बेटी को समझाने वाला दृश्य भी बेहतरीन इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। श्रुति को उसकी माँ ऐसी जगह ले जाती है जहाँ कुछ लोग लकड़ियाँ काटते रहते हैं, उसमें से एक की ओर इशारा करती हुई माँ कहती है कि जवानी में वह उसे चाहती थी लेकिन यदि उसके साथ शादी करती तो ऐसा आराम और सुविधा वह मतलब नहीं भोग पाती, ऐसी ज़िंदगी वो नहीं जी पाती। इस तरह से कई शानदार दृश्य फिल्में हैं जिनमें क्लाइमैक्स वाले दृश्य का उल्लेख ज़रूरी है।
अनाथालय में झिलमिल को ढूंढते हुए बर्फी आता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। जब वह श्रुति के साथ वापस जा रहा होता है, तब पीछे से झिलमिल उसे आवाज़ लगाती है, लेकिन सुनने में ऐसा मत बर्फी को पता नहीं चलता कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। श्रुति यह बात अच्छे से जानते हैं कि यदि बर्फी झिलमिल का पता लगा लेता है तो बर्फी को खो देगा वह बर्फी मतलब तो वह बर्फी को खो देगी। यहाँ पर श्रुति की प्रेम की परीक्षा है कि वह स्वार्थी बन जाए और चुप रहे, या उनके लिए अपने प्रेम की खुशी की मतलब उनको कुर्बान कर दे, इस टाइप का। फिल्म की कहानी थोड़ी छोट लेकर मतलब सीन लिखा गया है, लेकिन जिसमें लेकिन फिल्म के अंदर फिर भी काफ़ी उमदा सीन है। तो दोस्तों को मतलब सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो फिर भी आप मूवी अगर देखते हैं तो डेफिनेटली मूवी आपको पसंद आएगी। और पूरी कहानी डिटेल में जानने के लिए आप मूवी देखिएगा। और इसके कुछ सॉन्ग्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सॉन्ग्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे, लेकिन सॉन्ग ज़्यादा कुछ खास मूवी के हैं नहीं। मूवी के अंदर पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा मैं क्या करूं, दूसरा सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा फिर ले आया, और थर्ड सॉन्ग होगा आशियां, फोर्थ आशाएं, और फोर्थ सॉन्ग होगा क्यों, फिफ्थ सॉन्ग होगा आला बर्फी, एंड सिक्स सॉन्ग होगा फिर ले आया दिल, एंड सेवन सॉन्ग मूवी में आपको देखने के लिए सवाली सी रात, एट सॉन्ग होगा आशिया का ड्यूट वर्जन, और नाइन्थ सॉन्ग आपको फिर ले आया दिल का रिडक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, और आला बर्फी का लास्ट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा टेंथ में। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है बर्फी। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं ईयर की बॉलीवुड की, और अपने चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के क्लिप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। बर्फी सन 2012 की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा और रोमांटिक मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है अनुराग बासु के थ्रू, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अनुराग बासु के थ्रू, और स्क्रीन प्ले भी अनुराग बासु के थ्रू किया गया है, और डायलॉग जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं संजीव दत्ता के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर के थ्रू, और मेन किरदार मूवी में निभाते हुए आपको नज़र आएंगे एलियाना डिक्रूज, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, सौरभ शुक्ला, आशीष विद्यार्थी, हरधन बंदोपाध्याय और जिशु सेन गुप्ता। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है रवि वर्मन के थ्रू, और एडिटिंग की गई है अवीक अली के थ्रू, एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी इशाना मूवीज़ और यूटीवी मोशन पिक्चर्स। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू, एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 14 सितंबर सन 2012 को। मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 150 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी 300 मिलियन रुपीस के बजट पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा बिजनेस हिट किया, और 1.75 से जो इसका मतलब आकी गई आंकड़ा है जो बॉक्स ऑफिस पर इसने हिट किया है वो 1.88 बिलियन रुपीज़ का इसने बॉक्स ऑफिस पर बिज़नेस हिट किया है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूं तो मूवी ने आईएमडीबी पर भी अपनी छाप छोड़ी है, और 10 में से आईएमडीबी ने 8.2 की रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी वाकई में बेहतरीन है, और इस मूवी को अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मूवी के अंदर आनंद आने वाला है। एंड दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि यह मूवी सन 2012 में टॉप 10 मूवीज़ में से छठा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी भी है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के थोड़ा प्लॉट के बारे में कि मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है, मूवी की कहानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिल्म में 1972 और 1978 का वर्तमान का समय दिखाया गया है, मतलब तीन कहानी एक तरह से तीन समय दिखाए गए हैं मूवी में, एक 1972 का, एक 1978 का, और वर्तमान समय, तीन समय दिखाए जाते हैं। सभी दौर की कहानी एक साथ चलती रहती है जिसे कई लोग सुनते रहते हैं, इस वजह से यह फिल्म देखने समय दिमाग सिनेमाघर में लाना पड़ता है, मतलब जैसे कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो पूरा आपको फोकस इसमें करना पड़ेगा। दार्जिलिंग में रहने वाली बर्फी एक ड्राइवर का बेटा है, उसे संपन्न परिवार की श्रुति चाहती है जिसकी सगाई किसी और से हो चुकी है।
श्रुषि यह बात अपनी माँ को बताती है। माँ द्वारा अपनी बेटी को समझाने वाला दृश्य भी बेहतरीन इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। श्रुति को उसकी माँ ऐसी जगह ले जाती है जहाँ कुछ लोग लकड़ियाँ काटते रहते हैं। उसमें से एक की ओर इशारा करती हुई माँ कहती है कि जवानी में वह उसे चाहती थी, लेकिन यदि उसके साथ शादी करती तो ऐसा आराम और सुविधा वह मतलब नहीं भोग पाती, ऐसी ज़िंदगी वो नहीं जी पाती। इस तरह से कई शानदार दृश्य फिल्में हैं जिनमें क्लाइमैक्स वाले दृश्य का उल्लेख ज़रूरी है। अनाथालय में झिलमिल को ढूंढते हुए बर्फी आता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। जब वह श्रुति के साथ वापस जा रहा होता है तब पीछे से झिलमिल उसे आवाज़ लगाती है, लेकिन सुनने में असमर्थ बर्फी को पता नहीं चलता कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। श्रुति यह बात अच्छे से जानती है कि यदि बर्फी झिलमिल का पता लगा लेता है तो बर्फी को खो देगा वह बर्फी को खो देगी। यहाँ पर श्रुति की प्रेम की परीक्षा है कि वह स्वार्थी बन जाए और चुप रहे, या उनके लिए अपने प्रेम की खुशी की मतलब उनको कुर्बान कर दे, इस टाइप का। फिल्म की कहानी थोड़ी छोट लेकर मतलब सीन लिखा गया है, लेकिन जिसमें लेकिन फिल्म के अंदर फिर भी काफ़ी उमदा सीन है। तो दोस्तों अगर मतलब सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो फिर भी आप मूवी अगर देखते हैं तो डेफिनेटली मूवी आपको पसंद आएगी। और पूरी कहानी डिटेल में जानने के लिए आप मूवी देखिएगा। और इसके कुछ सॉन्ग्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सॉन्ग्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे, लेकिन सॉन्ग ज़्यादा कुछ खास मूवी के हैं नहीं। मूवी के अंदर पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा मैं क्या करूं, दूसरा सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा फिर ले आया, और थर्ड सॉन्ग होगा आशियां, फोर्थ आशाएं, और फोर्थ सॉन्ग होगा क्यों, फिफ्थ सॉन्ग होगा आला बर्फी, एंड सिक्स सॉन्ग होगा फिर ले आया दिल, एंड सेवन सॉन्ग मूवी में आपको देखने के लिए सवाली सी रात, एट सॉन्ग होगा आशिया का ड्यूट वर्जन, और नाइन्थ सॉन्ग आपको फिर ले आया दिल का रिडक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, और आला बर्फी का लास्ट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा टेंथ वन। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बर्फी। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं ईयर की बॉलीवुड की, और अपने चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के क्लिप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। बर्फी सन 2012 की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा और रोमांटिक मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनुराग बासु के थ्रू, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अनुराग बासु के थ्रू, और स्क्रीन प्ले भी अनुराग बासु के थ्रू किया गया है, और डायलॉग जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं संजीव दत्ता के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर के थ्रू, और मेन किरदार मूवी में निभाते हुए आपको नज़र आएंगे एलियाना डिक्रूज, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, सौरभ शुक्ला, आशीष विद्यार्थी, हरधन बंदोपाध्याय और जिशु सेन गुप्ता। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है रवि वर्मन के थ्रू, और एडिटिंग की गई है अवीक अली के थ्रू, एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी इशाना मूवीज़ और यूटीवी मोशन पिक्चर्स। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू, एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 14 सितंबर सन 2012 को। मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 150 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी 300 मिलियन रुपीस के बजट पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा बिजनेस हिट किया, और 1.75 से जो इसका मतलब आकी गई आंकड़ा है जो बॉक्स ऑफिस पर इसने हिट किया है वो 1.88 बिलियन रुपीस का इसने बॉक्स ऑफिस पर बिज़नेस हिट किया है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूं तो मूवी ने IMDb पर भी अपनी छाप छोड़ी है, और 10 में से IMDb ने 8.2 की रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी वाकई में बेहतरीन है, और इस मूवी को अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मूवी के अंदर आनंद आने वाला है। एंड दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि यह मूवी सन 2012 में टॉप 10 मूवीज़ में से छठा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी भी है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के थोड़ा प्लॉट के बारे में कि मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है, मूवी की कहानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ।
फिल्में 1972 और 1978 का वर्तमान का समय दिखाया गया है, मतलब तीन कहानी एक तरह से तीन समय दिखाए गए हैं मूवी में, एक 1972 का, एक 1978 का और वर्तमान समय, तीन समय दिखाए जाते हैं। सभी दौर की कहानी एक साथ चलती रहती है जिसे कई लोग सुनते रहते हैं, इस वजह से यह फिल्म देखते समय दिमाग सिनेमाघर में लाना पड़ता है, मतलब जैसे कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो पूरा आपको फोकस इसमें करना पड़ेगा। दार्जिलिंग में रहने वाली बर्फी एक ड्राइवर का बेटा है, उसे संपन्न परिवार की श्रुति चाहती है जिसकी सगाई किसी और से हो चुकी है। श्रुति यह बात अपनी माँ को बताती है, माँ द्वारा अपनी बेटी को समझाने वाला दृश्य भी बेहतरीन इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। श्रुति को उसकी माँ ऐसी जगह ले जाती है जहाँ कुछ लोग लकड़ियाँ काटते रहते हैं, उससे उसमें से एक की ओर इशारा करती हुई माँ कहती है कि जवानी में वह उसे चाहती थी लेकिन यदि उसके साथ शादी करती तो ऐसा आराम और सुविधा वह मतलब नहीं भोग पाती, ऐसी ज़िंदगी वो नहीं जी पाती। इस तरह से कई शानदार दृश्य फिल्में हैं जिनमें क्लाइमैक्स वाले दृश्य का उल्लेख ज़रूरी है। अनाथालय में झिलमिल को ढूंढते हुए बर्फी आता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। जब वह श्रुति के साथ वापस जा रहा होता है तब पीछे से झिलमिल उसे आवाज़ लगाती है लेकिन सुनने में असमत बर्फी को पता नहीं चलता कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। श्रुति यह बात अच्छे से जानती है कि यदि बर्फी झिलमिल का पता लगा लेता है तो बर्फी को खो देगा, वह बर्फी को खो देगी। यहाँ पर श्रुति की प्रेम की परीक्षा है कि वह स्वार्थी बन जाए और चुप रहे या उनके लिए अपने प्रेम की खुशी की मतलब उनको कुर्बान कर दे, इस टाइप का। फिल्म की कहानी थोड़ी छोट लेकर मतलब सीन लिखा गया है लेकिन जिसमें लेकिन फिल्म के अंदर फिर भी काफ़ी उमदा सीन है। तो दोस्तों अगर मतलब सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो फिर भी आप मूवी अगर देखते हैं तो डेफिनेटली मूवी आपको पसंद आएगी। और पूरी कहानी डिटेल में जानने के लिए आप मूवी देखिएगा। और इसके कुछ सॉन्ग्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सॉन्ग्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे लेकिन सॉन्ग ज़्यादा कुछ खास मूवी के हैं नहीं। मूवी के अंदर पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा मैं क्या करूं, दूसरा सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा फिर ले आया, और थर्ड सॉन्ग होगा आशियां, फोर्थ आशाएं, और फोर्थ सॉन्ग होगा क्यों, फिफ्थ सॉन्ग होगा आला बर्फी, एंड सिक्स सॉन्ग होगा फिर ले आया दिल, एंड सेवन सॉन्ग मूवी में आपको देखने के लिए सवाली सी रात, एट सॉन्ग होगा आशिया का ड्यूट वर्जन, और नाइन्थ सॉन्ग आपको फिर ले आया दिल का रिडक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, और आला बर्फी का लास्ट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा 10th वन। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बर्फी। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं ईयर की बॉलीवुड की, और अपने चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के क्लिप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। बर्फी सन 2012 की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा और रोमांटिक मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनुराग बासु के थ्रू, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अनुराग बासु के थ्रू, और स्क्रीन प्ले भी अनुराग बासु के थ्रू किया गया है, और डायलॉग जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं संजीव दत्ता के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर के थ्रू, और मेन किरदार मूवी में निभाते हुए आपको नज़र आएंगे एलियाना डिक्रूज, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, सौरभ शुक्ला, आशीष विद्यार्थी, हरधन बंदोपाध्याय और जिशु सेनगुप्ता। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है रवि वर्मन के थ्रू, और एडिटिंग की गई है अवीक अली के थ्रू, एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी इशाना मूवीज़ और यूटीवी मोशन पिक्चर्स। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू, एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 14 सितंबर 2012 को। मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 150 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी 300 मिलियन रुपीज़ के बजट पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा बिजनेस हिट किया, और 1.75 से जो इसका मतलब आकी गई आंकड़ा है जो बॉक्स ऑफिस पर इसने हिट किया है वो 1.88 बिलियन रुपीज़ का इसने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया है।
साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूं तो मूवी ने आईएमडीबी पर भी अपनी छाप छोड़ी है और 10 में से आईएमडीबी ने 8.2 की रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी वाकई में बेहतरीन है और इस मूवी को अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मूवी के अंदर आनंद आने वाला है। एंड दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि यह मूवी सन 2012 में टॉप 10 मूवीज़ में से 6ठा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी भी है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के थोड़ा प्लॉट के बारे में कि मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है, मूवी की कहानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिल्म में 1972 और 1978 का वर्तमान का समय दिखाया गया है, मतलब तीन कहानी, एक तरह से तीन समय दिखाए गए हैं मूवी में, 1972 का, 1978 का और वर्तमान समय, तीन समय दिखाए जाते हैं। सभी दौर की कहानी एक साथ चलती रहती है जिसे कई लोग सुनते रहते हैं, इस वजह से यह फिल्म देखने समय दिमाग सिनेमाघर में लाना पड़ता है, मतलब जैसे कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो पूरा आपको फोकस इसमें करना पड़ेगा। दार्जिलिंग में रहने वाली बर्फी एक ड्राइवर का बेटा है, उसे संपन्न परिवार की श्रुति चाहती है जिसकी सगाई किसी और से हो चुकी है। श्रुति यह बात अपनी माँ को बताती है, माँ द्वारा अपनी बेटी को समझाने वाला दृश्य भी बेहतरीन इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। श्रुति को उसकी माँ ऐसी जगह ले जाती है जहाँ कुछ लोग लकड़ियाँ काटते रहते हैं, उसमें से एक की ओर इशारा करती हुई माँ कहती है कि जवानी में वह उसे चाहती थी लेकिन यदि उसके साथ शादी करती तो ऐसा आराम और सुविधा वह मतलब नहीं भोग पाती, ऐसी ज़िंदगी वो नहीं जी पाती। इस तरह से कई शानदार दृश्य फिल्में हैं जिनमें क्लाइमैक्स वाले दृश्य का उल्लेख ज़रूरी है। अनाथालय में झिलमिल को ढूंढते हुए बर्फी आता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। जब वह श्रुति के साथ वापस जा रहा होता है तब पीछे से झिलमिल उसे आवाज़ लगाती है लेकिन सुनने में ऐसा मत बर्फी को पता नहीं चलता कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। श्रुति यह बात अच्छे से जानती है कि यदि बर्फी झिलमिल का पता लगा लेता है तो बर्फी को खो देगा, वह बर्फी को खो देगी। यहाँ पर श्रुति की प्रेम की परीक्षा है कि वह स्वार्थी बन जाए और चुप रहे या उनके लिए अपने प्रेम की खुशी की मतलब उनको कुर्बान कर दे, इस टाइप का। फिल्म की कहानी थोड़ी छोट लेकर मतलब सीन लिखा गया है लेकिन फिल्म के अंदर फिर भी काफ़ी उमदा सीन है। तो दोस्तों अगर मतलब सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो फिर भी आप मूवी अगर देखते हैं तो डेफिनेटली मूवी आपको पसंद आएगी। और पूरी कहानी डिटेल में जानने के लिए आप मूवी देखिएगा। और इसके कुछ सॉन्ग्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सॉन्ग्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे लेकिन सॉन्ग ज़्यादा कुछ खास मूवी के हैं नहीं। मूवी के अंदर पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा मैं क्या करूं, दूसरा सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा फिर ले आया, और थर्ड सॉन्ग होगा आशियां, फोर्थ आशाएं, और फोर्थ सॉन्ग होगा क्यों, फिफ्थ सॉन्ग होगा आला बर्फी, एंड सिक्स सॉन्ग होगा फिर ले आया दिल, एंड सेवन सॉन्ग मूवी में आपको देखने के लिए सवाली सी रात, एट सॉन्ग होगा आशिया का ड्यूट वर्जन, और नाइन्थ सॉन्ग आपको फिर ले आया दिल का रिडक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, और आला बर्फी का लास्ट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा 10th। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बर्फी। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं ईयर की बॉलीवुड की, और अपने चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के क्लिप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। बर्फी सन 2012 की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा और रोमांटिक मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनुराग बासु के थ्रू, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अनुराग बासु के थ्रू, और स्क्रीन प्ले भी अनुराग बासु के थ्रू किया गया है, और डायलॉग जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं संजीव दत्ता के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर के थ्रू, और मेन किरदार मूवी में निभाते हुए आपको नज़र आएंगे एलियाना डिक्रूज, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, सौरभ शुक्ला, आशीष विद्यार्थी, हरधन बंदोपाध्याय और जिशु सेन गुप्ता। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है रवि वर्मन के थ्रू, और एडिटिंग की गई है अवीक अली के थ्रू, एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी ईशाना मूवीज़ और
यूटीवी मोशन पिक्चर्स। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 14 सितंबर सन 2012 को। मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 150 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी 300 मिलियन रुपीज़ के बजट पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा बिजनेस हिट किया और 1.75 से जो इसका मतलब आकी गई आंकड़ा है जो बॉक्स ऑफिस पर इसने हिट किया है वो 1.88 बिलियन रुपीज़ का इसने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूं तो मूवी ने IMDb पर भी अपनी छाप छोड़ी है और 10 में से IMDb ने 8.2 की रेटिंग प्राप्त की है जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी वाकई में बेहतरीन है और इस मूवी को अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मूवी के अंदर आनंद आने वाला है। एंड दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि यह मूवी सन 2012 में टॉप 10 मूवीज़ में से छठा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी भी है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के थोड़ा प्लॉट के बारे में कि मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है, मूवी की कहानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिल्म में 1972 और 1978 का वर्तमान का समय दिखाया गया है, मतलब तीन कहानी, एक तरह से तीन समय दिखाए गए हैं मूवी में, एक 1972 का, एक 1978 का और वर्तमान समय, तीन समय दिखाए जाते हैं। सभी दौर की कहानी एक साथ चलती रहती है जिसे कई लोग सुनते रहते हैं, इस वजह से यह फिल्म देखने समय दिमाग सिनेमाघर में लाना पड़ता है, मतलब जैसे कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो पूरा आपको फोकस इसमें करना पड़ेगा। दार्जिलिंग में रहने वाली बर्फी एक ड्राइवर का बेटा है, उसे संपन्न परिवार की श्रुति चाहती है जिसकी सगाई किसी और से हो चुकी है। श्रुति यह बात अपनी माँ को बताती है, माँ द्वारा अपनी बेटी को समझाने वाला दृश्य भी बेहतरीन इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। श्रुति को उसकी माँ ऐसी जगह ले जाती है जहाँ कुछ लोग लकड़ियाँ काटते रहते हैं, उसमें से एक की ओर इशारा करती हुई माँ कहती है कि जवानी में वह उसे चाहती थी लेकिन यदि उसके साथ शादी करती तो ऐसा आराम और सुविधा वह मतलब नहीं भोग पाती, ऐसी ज़िंदगी वो नहीं जी पाती। इस तरह से कई शानदार दृश्य फिल्में हैं जिनमें क्लाइमैक्स वाले दृश्य का उल्लेख ज़रूरी है। अनाथालय में झिलमिल को ढूंढते हुए बर्फी आता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। जब वह श्रुति के साथ वापस जा रहा होता है तब पीछे से झिलमिल उसे आवाज़ लगाती है लेकिन सुनने में ऐसा मत बर्फी को पता नहीं चलता कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। श्रुति यह बात अच्छे से जानती है कि यदि बर्फी झिलमिल का पता लगा लेता है तो बर्फी को खो देगा, वह बर्फी को खो देगी। यहाँ पर श्रुति की प्रेम की परीक्षा है कि वह स्वार्थी बन जाए और चुप रहे या उनके लिए अपने प्रेम की खुशी की मतलब उनको कुर्बान कर दे, इस टाइप का। फिल्म की कहानी थोड़ी छोट लेकर मतलब सीन लिखा गया है लेकिन जिसमें लेकिन फिल्म के अंदर फिर भी काफ़ी उमदा सीन है। तो दोस्तों का मतलब सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो फिर भी आप मूवी अगर देखते हैं तो डेफिनेटली मूवी आपको पसंद आएगी। और पूरी कहानी डिटेल में जानने के लिए आप मूवी देखिएगा। और इसके कुछ सॉन्ग्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सॉन्ग्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे लेकिन सॉन्ग्स ज़्यादा कुछ खास मूवी के हैं नहीं। मूवी के अंदर पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा मैं क्या करूं, दूसरा सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा फिर ले आया, और थर्ड सॉन्ग होगा आशियां, फोर्थ आशाएं, और फोर्थ सॉन्ग होगा क्यों, फिफ्थ सॉन्ग होगा आला बर्फी, एंड सिक्स सॉन्ग होगा फिर ले आया दिल, एंड सेवन सॉन्ग मूवी में आपको देखने के लिए सवाली सी रात, एट सॉन्ग होगा आशिया का ड्यूट वर्जन, और नाइन्थ सॉन्ग आपको फिर ले आया दिल का रिडक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, और आला बर्फी का लास्ट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा 10th में। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बर्फी। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं ईयर की बॉलीवुड की, और अपने चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के क्लिप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। बर्फी सन 2012 की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा और रोमांटिक मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनुराग बासु के थ्रू, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अनुराग बासु के थ्रू, और स्क्रीन प्ले भी अनुराग बासु के थ्रू किया गया है, और डायलॉग जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं संजीव दत्ता के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर के थ्रू,
और मेन किरदार मूवी में निभाते हुए आपको नजर आएंगे एलियाना डिक्रूज, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, सौरभ शुक्ला, आशीष विद्यार्थी, हरधन बंदोपाध्याय और जिशु सेन गुप्ता। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है रवि वर्मन के थ्रू और एडिटिंग की गई है अवीक अली के थ्रू एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी इशाना मूवीज़ और यूटीवी मोशन पिक्चर्स। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 14 सितंबर 2012 को। मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 150 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी 300 मिलियन रुपीज़ के बजट पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा बिजनेस हिट किया और 1.75 से जो इसका मतलब आखिरी गई आंकड़ा है जो बॉक्स ऑफिस पर इसने हिट किया है वो 1.88 बिलियन रुपीज़ का इसने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूं तो मूवी ने आईएमडीबी पर भी अपनी छाप छोड़ी है और 10 में से आईएमडीबी ने 8.2 की रेटिंग प्राप्त की है जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी वाकई में बेहतरीन है और इस मूवी को अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मूवी के अंदर आनंद आने वाला है। एंड दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि यह मूवी सन 2012 में टॉप 10 मूवीज़ में से छठा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी भी है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के थोड़ा प्लॉट के बारे में कि मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है, मूवी की कहानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिल्म में 1972 और 1978 का वर्तमान का समय दिखाया गया है, मतलब तीन कहानी एक तरह से तीन समय दिखाए गए हैं मूवी में, 1972 का, 1978 का और वर्तमान समय, तीन समय दिखाए जाते हैं। सभी दौर की कहानी एक साथ चलती रहती है जिसे कई लोग सुनते रहते हैं, इस वजह से यह फिल्म देखने ते समय दिमाग सिनेमाघर में लाना पड़ता है, मतलब जैसे कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो पूरा आपको फोकस इसमें करना पड़ेगा। दार्जिलिंग में रहने वाली बर्फी एक ड्राइवर का बेटा है, उसे संपन्न परिवार की श्रुति चाहती है जिसकी सगाई किसी और से हो चुकी है। श्रुति यह बात अपनी माँ को बताती है, माँ द्वारा अपनी बेटी को समझाने वाला दृश्य भी बेहतरीन इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। श्रुति को उसकी माँ ऐसी जगह ले जाती है जहाँ कुछ लोग लकड़ियाँ काटते रहते हैं, उसमें से एक की ओर इशारा करती हुई माँ कहती है कि जवानी में वह उसे चाहती थी लेकिन यदि उसके साथ शादी करती तो ऐसा आराम और सुविधा वह मतलब नहीं भोग पाती, ऐसी ज़िंदगी वो नहीं जी पाती। इस तरह से कई शानदार दृश्य फिल्में हैं जिनमें क्लाइमैक्स वाले दृश्य का उल्लेख ज़रूरी है। अनाथालय में झिलमिल को ढूंढते हुए बर्फी आता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। जब वह श्रुति के साथ वापस जा रहा होता है तब पीछे से झिलमिल उसे आवाज़ लगाती है लेकिन सुनने में एसएमएस बर्फी को पता नहीं चलता कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। श्रुति यह बात अच्छे से जानती है कि यदि बर्फी झिलमिल का पता लगा लेता है तो बर्फी को खो देगा, वह बर्फी को खो देगी। यहाँ पर श्रुति की प्रेम की परीक्षा है कि वह स्वार्थी बन जाए और चुप रहे या उनके लिए अपने प्रेम की खुशी की मतलब उनको कुर्बान कर दे, इस टाइप का। फिल्म की कहानी थोड़ी छोट लेकर मतलब सीन लिखा गया है लेकिन जिसमें लेकिन फिल्म के अंदर फिर भी काफ़ी उमदा सीन है। तो दोस्तों अगर मतलब सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो फिर भी आप मूवी अगर देखते हैं तो डेफिनेटली मूवी आपको पसंद आएगी और पूरी कहानी डिटेल में जानने के लिए आप मूवी देखिएगा। और इसके कुछ सॉन्ग्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सॉन्ग्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे लेकिन सॉन्ग ज़्यादा कुछ खास मूवी के हैं नहीं। मूवी के अंदर पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा मैं क्या करूं, दूसरा सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा फिर ले आया, और थर्ड सॉन्ग होगा आशियां, फोर्थ आशाएं, और फोर्थ सॉन्ग होगा क्यों, फिफ्थ सॉन्ग होगा आला बर्फी, एंड सिक्स सॉन्ग होगा फिर ले आया दिल, एंड सेवन्थ सॉन्ग मूवी में आपको देखने के लिएगा सवाली सी रात, एट्थ सॉन्ग होगा आशिया का ड्यूट वर्जन, और नाइन्थ सॉन्ग आपको फिर ले आया दिल का रिडक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, और आला बर्फी का लास्ट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा 10th वा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बर्फी। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं ईयर की बॉलीवुड की, और अपने चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के क्लिप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से।
बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। बर्फी सन 2012 की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा और रोमांटिक मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनुराग बासु के थ्रू और मूवी की कहानी को लिखा गया है अनुराग बासु के थ्रू और स्क्रीन प्ले भी अनुराग बासु के थ्रू किया गया है और डायलॉग जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं संजीव दत्ता के थ्रू एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर के थ्रू और मेन किरदार मूवी में निभाते हुए आपको नज़र आएंगे एलियाना डिक्रूज, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, सौरभ शुक्ला, आशीष विद्यार्थी, हरधन बंदोपाध्याय और जिशु सेन गुप्ता। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है रवि वर्मन के थ्रू और एडिटिंग की गई है अवीक अली के थ्रू एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी इशाना मूवीज़ और यूटीवी मोशन पिक्चर्स। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 14 सितंबर सन 2012 को। मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 150 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी 300 मिलियन रुपीज़ के बजट पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा बिजनेस हिट किया और 1.75 से जो इसका मतलब आकी गई आंकड़ा है जो बॉक्स ऑफिस पर इसने हिट किया है वो 1.88 बिलियन रुपीज़ का इसने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूं तो मूवी ने आईएमडीबी पर भी अपनी छाप छोड़ी है और 10 में से आईएमडीबी ने 8.2 की रेटिंग प्राप्त की है जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी वाकई में बेहतरीन है और इस मूवी को अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मूवी के अंदर आनंद आने वाला है। एंड दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि यह मूवी सन 2012 में टॉप 10 मूवीज़ में से छठा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी भी है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के थोड़ा प्लॉट के बारे में कि मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है, मूवी की कहानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिल्म में 1972 और 1978 का वर्तमान का समय दिखाया गया है, मतलब तीन कहानी एक तरह से तीन समय दिखाए गए हैं मूवी में, एक 1972 का, एक 1978 का और वर्तमान समय, तीन समय दिखाए जाते हैं। सभी दौर की कहानी एक साथ चलती रहती है जिसे कई लोग सुनते रहते हैं, इस वजह से यह फिल्म देखने समय दिमाग सिनेमाघर में लाना पड़ता है, मतलब जैसे कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो पूरा आपको फोकस इसमें करना पड़ेगा। दार्जिलिंग में रहने वाली बर्फी एक ड्राइवर का बेटा है, उसे संपन्न परिवार की श्रुति चाहती है जिसकी सगाई किसी और से हो चुकी है। श्रुति यह बात अपनी माँ को बताती है, माँ द्वारा अपनी बेटी को समझाने वाला दृश्य भी बेहतरीन इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। श्रुति को उसकी माँ ऐसी जगह ले जाती है जहाँ कुछ लोग लकड़ियाँ काटते रहते हैं, उसमें से एक की ओर इशारा करती हुई माँ कहती है कि जवानी में वह उसे चाहती थी लेकिन यदि उसके साथ शादी करती तो ऐसा आराम और सुविधा वह मतलब नहीं भोग पाती, ऐसी ज़िंदगी वो नहीं जी पाती। इस तरह से कई शानदार दृश्य फिल्में हैं जिनमें क्लाइमैक्स वाले दृश्य का उल्लेख ज़रूरी है। अनाथालय में झिलमिल को ढूंढते हुए बर्फी आता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। जब वह श्रुति के साथ वापस जा रहा होता है तब पीछे से झिलमिल उसे आवाज़ लगाती है लेकिन सुनने में ऐसा मत बर्फी को पता नहीं चलता कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। श्रुति यह बात अच्छे से जानती है कि यदि बर्फी झिलमिल का पता लगा लेता है तो बर्फी को खो देगा, वह बर्फी को खो देगी। यहाँ पर श्रुति की प्रेम की परीक्षा है कि वह स्वार्थी बन जाए और चुप रहे या उनके लिए अपने प्रेम की खुशी की मतलब उनको कुर्बान कर दे, इस टाइप का। फिल्म की कहानी थोड़ी छोट लेकर मतलब सीन लिखा गया है लेकिन फिल्म के अंदर फिर भी काफ़ी उमदा सीन है। तो दोस्तों अगर मतलब सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो फिर भी आप मूवी अगर देखते हैं तो डेफिनेटली मूवी आपको पसंद आएगी और पूरी कहानी डिटेल में जानने के लिए आप मूवी देखिएगा। और इसके कुछ सॉन्ग्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सॉन्ग्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे लेकिन सॉन्ग ज़्यादा कुछ खास मूवी के हैं नहीं। मूवी के अंदर पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा मैं क्या करूं, दूसरा सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा फिर ले आया और थर्ड सॉन्ग होगा आशियां, फोर्थ आशाएं और फोर्थ सॉन्ग होगा क्यों, फिफ्थ सॉन्ग होगा आला बर्फी एंड सिक्स सॉन्ग होगा फिर ले आया दिल एंड सेवन सॉन्ग मूवी में आपको देखने के लिए सवाली सी रात, एट सॉन्ग होगा आशिया का ड्यूट वर्जन और नाइन्थ सॉन्ग आपको फिर
फिर ले आया दिल का रिडक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, और आला बर्फी का लास्ट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा 10th। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बर्फी। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस होती हैं वो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं ईयर की बॉलीवुड की, और अपने चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के क्लिप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। बर्फी सन 2012 की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा और रोमांटिक मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनुराग बासु के थ्रू, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अनुराग बासु के थ्रू, और स्क्रीन प्ले भी अनुराग बासु के थ्रू किया गया है, और डायलॉग जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं संजीव दत्ता के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर के थ्रू, और मेन किरदार मूवी में निभाते हुए आपको नज़र आएंगे एलियाना डिक्रूज, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, सौरभ शुक्ला, आशीष विद्यार्थी, हरधन बंदोपाध्याय और जिशु सेन गुप्ता। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है रवि वर्मन के थ्रू, और एडिटिंग की गई है अवीक अली के थ्रू, एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी इशाना मूवीज़ और यूटीवी मोशन पिक्चर्स। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू, एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 14 सितंबर सन 2012 को। मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 150 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी 300 मिलियन रुपीज़ के बजट पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा बिजनेस हिट किया, और 1.75 से जो इसका मतलब आखिरी गई आंकड़ा है जो बॉक्स ऑफिस पर इसने हिट किया है वो 1.88 बिलियन रुपीज़ का इसने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूं तो मूवी ने IMDb पर भी अपनी छाप छोड़ी है, और 10 में से IMDb ने 8.2 की रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी वाकई में बेहतरीन है, और इस मूवी को अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मूवी के अंदर आनंद आने वाला है। एंड दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि यह मूवी सन 2012 में टॉप 10 मूवीज़ में से छठा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी भी है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के थोड़ा प्लॉट के बारे में कि मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है, मूवी की कहानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिल्म में 1972 और 1978 का वर्तमान का समय दिखाया गया है, मतलब तीन कहानी, एक तरह से तीन समय दिखाए गए हैं मूवी में, एक 1972 का, एक 1978 का, और वर्तमान समय, तीन समय दिखाए जाते हैं। सभी दौर की कहानी एक साथ चलती रहती है जिसे कई लोग सुनते रहते हैं, इस वजह से यह फिल्म देखने ते समय दिमाग सिनेमाघर में लाना पड़ता है, मतलब जैसे कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो पूरा आपको फोकस इसमें करना पड़ेगा। दार्जिलिंग में रहने वाली बर्फी एक ड्राइवर का बेटा है, उसे संपन्न परिवार की श्रुति चाहती है जिसकी सगाई किसी और से हो चुकी है। श्रुति यह बात अपनी माँ को बताती है, माँ द्वारा अपनी बेटी को समझाने वाला दृश्य भी बेहतरीन इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। श्रुति को उसकी माँ ऐसी जगह ले जाती है जहाँ कुछ लोग लकड़ियाँ काटते रहते हैं, उसमें से एक की ओर इशारा करती हुई माँ कहती है कि जवानी में वह उसे चाहती थी लेकिन यदि उसके साथ शादी करती तो ऐसा आराम और सुविधा वह मतलब नहीं भोग पाती, ऐसी ज़िंदगी वो नहीं जी पाती। इस तरह से कई शानदार दृश्य फिल्में हैं जिनमें क्लाइमैक्स वाले दृश्य का उल्लेख ज़रूरी है। अनाथालय में झिलमिल को ढूंढते हुए बर्फी आता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। जब वह श्रुति के साथ वापस जा रहा होता है तब पीछे से झिलमिल उसे आवाज़ लगाती है लेकिन सुनने में SMS बर्फी को पता नहीं चलता कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। श्रुति यह बात अच्छे से जानती है कि यदि बर्फी झिलमिल का पता लगा लेता है तो बर्फी को खो देगा, वह बर्फी को खो देगी। यहाँ पर श्रुति की प्रेम की परीक्षा है कि वह स्वार्थी बन जाए और चुप रहे या उनके लिए अपने प्रेम की खुशी की मतलब उनको कुर्बान कर दे, इस टाइप का। फिल्म की कहानी थोड़ी
छोट लेकर मतलब सीन लिखा गया है, लेकिन जिसमें लेकिन फिल्म के अंदर फिर भी काफ़ी उमदा सीन है। तो दोस्तों अगर मतलब सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो फिर भी आप मूवी अगर देखते हैं तो डेफिनेटली मूवी आपको पसंद आएगी। और पूरी कहानी डिटेल में जानने के लिए आप मूवी देखिएगा। और इसके कुछ सॉन्ग्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सॉन्ग्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे लेकिन सॉन्ग ज़्यादा कुछ खास मूवी के हैं नहीं। मूवी के अंदर पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा मैं क्या करूँ, दूसरा सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा फिर ले आया, और थर्ड सॉन्ग होगा आशियां, फोर्थ आशाएं, और फोर्थ सॉन्ग होगा क्यों, फिफ्थ सॉन्ग होगा आला बर्फी, एंड सिक्स सॉन्ग होगा फिर ले आया दिल, एंड सेवन सॉन्ग मूवी में आपको देखने के लिए सवाली सी रात, एट सॉन्ग होगा आशिया का ड्यूट वर्जन, और नाइन्थ सॉन्ग आपको फिर ले आया दिल का रिडक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, और आला बर्फी का लास्ट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा टेंथ में। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बर्फी। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं ईयर की बॉलीवुड की, और अपने चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के क्लिप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। बर्फी सन 2012 की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा और रोमांटिक मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनुराग बासु के थ्रू, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अनुराग बासु के थ्रू, और स्क्रीन प्ले भी अनुराग बासु के थ्रू किया गया है, और डायलॉग जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं संजीव दत्ता के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर के थ्रू, और मेन किरदार मूवी में निभाते हुए आपको नज़र आएंगे एलियाना डिक्रूज, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, सौरभ शुक्ला, आशीष विद्यार्थी, हरधन बंदोपाध्याय और जिशु सेन गुप्ता। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है रवि वर्मन के थ्रू, और एडिटिंग की गई है अवीक अली के थ्रू, एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी इशारा मूवीज़ और यूटीवी मोशन पिक्चर्स। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू, एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 14 सितंबर सन 2012 को। मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 150 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी 300 मिलियन रुपीस के बजट पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा बिजनेस हिट किया, और 1.75 से जो इसका मतलब आकी गई आंकड़ा है जो बॉक्स ऑफिस पर इसने हिट किया है वो 1.88 बिलियन रुपीज़ का इसने बॉक्स ऑफिस पर बिज़नेस हिट किया है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूं तो मूवी ने आईएमडीबी पर भी अपनी छाप छोड़ी है, और 10 में से आईएमडीबी ने 8.2 की रेटिंग प्राप्त की है जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी वाकई में बेहतरीन है, और इस मूवी को अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मूवी के अंदर आनंद आने वाला है। एंड दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि यह मूवी सन 2012 में टॉप 10 मूवीज़ में से छठा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी भी है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के थोड़ा प्लॉट के बारे में कि मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है, मूवी की कहानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिल्म में 1972 और 1978 का वर्तमान का समय दिखाया गया है, मतलब तीन कहानी एक तरह से तीन समय दिखाए गए हैं मूवी में, 1972 का, 1978 का और वर्तमान समय, तीन समय दिखाए जाते हैं। सभी दौर की कहानी एक साथ चलती रहती है जिसे कई लोग सुनते रहते हैं, इस वजह से यह फिल्म देखने ते समय दिमाग सिनेमाघर में लाना पड़ता है, मतलब जैसे कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो पूरा आपको फोकस इसमें करना पड़ेगा। दार्जिलिंग में रहने वाली बर्फी एक ड्राइवर का बेटा है, उसे संपन्न परिवार की श्रुति चाहती है जिसकी सगाई किसी और से हो चुकी है। श्रुति यह बात अपनी माँ को बताती है, माँ द्वारा अपनी बेटी को समझाने वाला दृश्य भी बेहतरीन इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। श्रुति को उसकी माँ ऐसी जगह ले जाती है जहाँ कुछ लोग लकड़ियाँ काटते रहते हैं, उसमें से एक की ओर इशारा करती हुई माँ कहती है कि जवानी में वह उसे चाहती थी लेकिन यदि उसके साथ शादी करती तो ऐसा आराम और सुविधा वह मतलब नहीं भोग पाती, ऐसी ज़िंदगी वो नहीं जी पाती। इस तरह से कई शानदार दृश्य फिल्में हैं जिनमें क्लाइमैक्स वाले दृश्य का उल्लेख ज़रूरी है।
अनाथालय में झिलमिल को ढूंढते हुए बर्फी आता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। जब वह श्रुति के साथ वापस जा रहा होता है, तब पीछे से झिलमिल उसे आवाज़ लगाती है, लेकिन सुनने में एसएमएस बर्फी को पता नहीं चलता कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। श्रुति यह बात अच्छे से जानती है कि यदि बर्फी झिलमिल का पता लगा लेता है तो बर्फी को खो देगा वह वह बर्फी को खो देगी। यहाँ पर श्रुति की प्रेम की परीक्षा है कि वह स्वार्थी बन जाए और चुप रहे, या उनके लिए अपने प्रेम की खुशी की उनको कुर्बान कर दे, इस टाइप का। फिल्म की कहानी थोड़ी छोट लेकर सीन लिखा गया है, लेकिन जिसमें लेकिन फिल्म के अंदर फिर भी काफ़ी उमदा सीन है। तो दोस्तों अगर सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो फिर भी आप मूवी अगर देखते हैं तो डेफिनेटली मूवी आपको पसंद आएगी। और पूरी कहानी डिटेल में जानने के लिए आप मूवी देखिएगा। और इसके कुछ सॉन्ग्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सॉन्ग्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे, लेकिन सॉन्ग ज़्यादा कुछ खास मूवी के हैं नहीं। मूवी के अंदर पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा मैं क्या करूं, दूसरा सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा फिर ले आया, और थर्ड सॉन्ग होगा आशियां, फोर्थ आशाएं, और फोर्थ सॉन्ग होगा क्यों, फिफ्थ सॉन्ग होगा आला बर्फी, एंड सिक्स सॉन्ग होगा फिर ले आया दिल, एंड सेवन सॉन्ग मूवी में आपको देखने के लिए सवाली सी रात, एट सॉन्ग होगा आशिया का ड्यूट वर्जन, और नाइन्थ सॉन्ग आपको फिर ले आया दिल का रिडक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, और आला बर्फी का लास्ट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा 10th में। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बर्फी। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं ईयर की बॉलीवुड की, और अपने चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के क्लिप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। बर्फी सन 2012 की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा और रोमांटिक मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है अनुराग बासु के थ्रू, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अनुराग बासु के थ्रू, और स्क्रीन प्ले भी अनुराग बासु के थ्रू किया गया है, और डायलॉग जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं संजीव दत्ता के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर के थ्रू, और मेन किरदार मूवी में निभाते हुए आपको नज़र आएंगे एलियाना डिक्रूज, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, सौरभ शुक्ला, आशीष विद्यार्थी, हरधन बंदोपाध्याय और जिशु सेनगुप्ता। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है रवि वर्मन के थ्रू, और एडिटिंग की गई है अवीक अली के थ्रू, एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी इशाना मूवीज़ और यूटीवी मोशन पिक्चर्स। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू, एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 14 सितंबर 2012 को। मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 150 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी 300 मिलियन रुपीज़ के बजट पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा बिजनेस हिट किया, और 1.75 से जो इसका आकी गई आंकड़ा है जो बॉक्स ऑफिस पर इसने हिट किया है वो 1.88 बिलियन रुपीज़ का इसने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूं तो मूवी ने IMDb पर भी अपनी छाप छोड़ी है, और 10 में से IMDb ने 8.2 की रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी वाकई में बेहतरीन है, और इस मूवी को अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मूवी के अंदर आनंद आने वाला है। एंड दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि यह मूवी सन 2012 में टॉप 10 मूवीज़ में से छठा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी भी है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के थोड़ा प्लॉट के बारे में कि मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है, मूवी की कहानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिल्म में 1972 और 1978 का वर्तमान का समय दिखाया गया है, तीन कहानी एक तरह से तीन समय दिखाए गए हैं मूवी में, एक 1972 का, एक 1978 का, और वर्तमान समय, तीन समय दिखाए जाते हैं। सभी दौर की कहानी एक साथ चलती रहती है जिसे कई लोग सुनते रहते हैं, इस वजह से यह फिल्म देखने समय दिमाग सिनेमाघर में लाना पड़ता है, जैसे कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो पूरा आपको फोकस इसमें करना पड़ेगा। दार्जिलिंग में रहने वाली बर्फी एक ड्राइवर का बेटा है, उसे संपन्न परिवार की श्रुति चाहती है जिसकी सगाई किसी और से हो चुकी है।
श्रुषि यह बात अपनी माँ को बताती है। माँ द्वारा अपनी बेटी को समझाने वाला दृश्य भी बेहतरीन इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। श्रुति को उसकी माँ ऐसी जगह ले जाती है जहाँ कुछ लोग लकड़ियाँ काटते रहते हैं। उसमें से एक की ओर इशारा करती हुई माँ कहती है कि जवानी में वह उसे चाहती थी, लेकिन यदि उसके साथ शादी करती तो ऐसा आराम और सुविधा वह नहीं भोग पाती, ऐसी ज़िंदगी वो नहीं जी पाती। इस तरह से कई शानदार दृश्य फिल्में हैं जिनमें क्लाइमैक्स वाले दृश्य का उल्लेख ज़रूरी है। अनाथालय में झिलमिल को ढूंढते हुए बर्फी आता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। जब वह श्रुति के साथ वापस जा रहा होता है तब पीछे से झिलमिल उसे आवाज़ लगाती है, लेकिन सुनने में असमर्थ बर्फी को पता नहीं चलता कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। श्रुति यह बात अच्छे से जानती है कि यदि बर्फी झिलमिल का पता लगा लेता है तो बर्फी को खो देगा वह बर्फी को खो देगी। यहाँ पर श्रुति की प्रेम की परीक्षा है कि वह स्वार्थी बन जाए और चुप रहे, या उनके लिए अपने प्रेम की खुशी की उनको कुर्बान कर दे, इस टाइप का। फिल्म की कहानी थोड़ी छोट लेकर सीन लिखा गया है, लेकिन फिल्म के अंदर फिर भी काफ़ी उमदा सीन है। तो दोस्तों को सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो फिर भी आप मूवी अगर देखते हैं तो डेफिनेटली मूवी आपको पसंद आएगी। और पूरी कहानी डिटेल में जानने के लिए आप मूवी देखिएगा। और इसके कुछ सॉन्ग्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सॉन्ग्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे, लेकिन सॉन्ग ज़्यादा कुछ खास मूवी के हैं नहीं। मूवी के अंदर पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा मैं क्या करूं, दूसरा सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा फिर ले आया, और थर्ड सॉन्ग होगा आशियां, फोर्थ आशाएं, और फोर्थ सॉन्ग होगा क्यों, फिफ्थ सॉन्ग होगा आला बर्फी, एंड सिक्स सॉन्ग होगा फिर ले आया दिल, एंड सेवन सॉन्ग मूवी में आपको देखने के लिए सवाली सी रात, एट सॉन्ग होगा आशिया का ड्यूट वर्जन, और नाइन्थ सॉन्ग आपको फिर ले आया दिल का रिडक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, और आला बर्फी का लास्ट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा 10th। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बर्फी। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं ईयर की बॉलीवुड की, और अपने चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के क्लिप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। बर्फी 2012 की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा और रोमांटिक मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है अनुराग बासु के थ्रू, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अनुराग बासु के थ्रू, और स्क्रीन प्ले भी अनुराग बासु के थ्रू किया गया है, और डायलॉग जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं संजीव दत्ता के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर के थ्रू, और मेन किरदार मूवी में निभाते हुए आपको नज़र आएंगे एलियाना डिक्रूज, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, सौरभ शुक्ला, आशीष विद्यार्थी, हरधन बंदोपाध्याय और जिशु सेन गुप्ता। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है रवि वर्मन के थ्रू, और एडिटिंग की गई है अवीक अली के थ्रू, एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी इशाना मूवीज़ और यूटीवी मोशन पिक्चर्स। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू, एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 14 सितंबर 2012 को। मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 150 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी 300 मिलियन रुपीस के बजट पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा बिजनेस हिट किया, और 1.75 से जो इसका आकी गई आंकड़ा है जो बॉक्स ऑफिस पर इसने हिट किया है वो 1.88 बिलियन रुपीज़ का इसने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूं तो मूवी ने IMDb पर भी अपनी छाप छोड़ी है, और 10 में से IMDb ने 8.2 की रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी वाकई में बेहतरीन है, और इस मूवी को अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मूवी के अंदर आनंद आने वाला है। एंड दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि यह मूवी 2012 में टॉप 10 मूवीज़ में से छठा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी भी है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के थोड़ा प्लॉट के बारे में कि मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है, मूवी की कहानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ।
फिल्में 1972 और 1978 का वर्तमान का समय दिखाया गया है, मतलब तीन कहानी, एक तरह से तीन समय दिखाए गए हैं मूवी में, एक 1972 का, एक 1978 का और वर्तमान समय, तीन समय दिखाए जाते हैं। सभी दौर की कहानी एक साथ चलती रहती है जिसे कई लोग सुनते रहते हैं, इस वजह से यह फिल्म देखने ते समय दिमाग सिनेमाघर में लाना पड़ता है, मतलब जैसे कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो पूरा आपको फोकस इसमें करना पड़ेगा। दार्जिलिंग में रहने वाली बर्फी एक ड्राइवर का बेटा है, उसे संपन्न परिवार की श्रुति चाहती है जिसकी सगाई किसी और से हो चुकी है। श्रुति यह बात अपनी माँ को बताती है, माँ द्वारा अपनी बेटी को समझाने वाला दृश्य भी बेहतरीन इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। श्रुति को उसकी माँ ऐसी जगह ले जाती है जहाँ कुछ लोग लकड़ियाँ काटते रहते हैं, उससे उसमें से एक की ओर इशारा करती हुई माँ कहती है कि जवानी में वह उसे चाहती थी लेकिन यदि उसके साथ शादी करती तो ऐसे और ऐसा आराम और सुविधा उस वह मतलब नहीं भोग पाती, ऐसी ज़िंदगी वो नहीं जी पाती। इस तरह से कई शानदार दृश्य फिल्में हैं जिनमें क्लाइमैक्स वाले दृश्य का उल्लेख ज़रूरी है। अनाथालय में झिलमिल को ढूंढते हुए बर्फी आता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। जब वह श्रुति के साथ वापस जा रहा होता है तब पीछे से झिलमिल उसे आवाज़ लगाती है लेकिन सुनने में ऐसा मत बर्फी को पता नहीं चलता कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। श्रुति यह बात अच्छे से जानती है कि यदि बर्फी झिलमिल का पता लगा लेता है तो बर्फी को खो देगा, वह बर्फी को खो देगी। यहाँ पर श्रुति की प्रेम की परीक्षा है कि वह स्वार्थी बन जाए और चुप रहे या उनके लिए अपने प्रेम की खुशी की मतलब उनको कुर्बान कर दे, इस टाइप का। फिल्म की कहानी थोड़ी छोट लेकर मतलब सीन लिखा गया है लेकिन जिसमें लेकिन फिल्म के अंदर फिर भी काफ़ी उमदा सीन है। तो दोस्तों अगर मतलब सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो फिर भी आप मूवी अगर देखते हैं तो डेफिनेटली मूवी आपको पसंद आएगी, और पूरी कहानी डिटेल में जानने के लिए आप मूवी देखिएगा। और इसके कुछ सॉन्ग्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सॉन्ग्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे लेकिन सॉन्ग्स ज़्यादा कुछ खास मूवी के हैं नहीं। मूवी के अंदर पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा मैं क्या करूं, दूसरा सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा फिर ले आया, और थर्ड सॉन्ग होगा आशियां, फोर्थ आशाएं, और फोर्थ सॉन्ग होगा क्यों, फिफ्थ सॉन्ग होगा आला बर्फी, एंड सिक्स सॉन्ग होगा फिर ले आया दिल, एंड सेवन सॉन्ग मूवी में आपको देखने के लिए सवाली सी रात, एट सॉन्ग होगा आशिया का ड्यूट वर्जन, और नाइन्थ सॉन्ग आपको फिर ले आया दिल का रिडक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, और आला बर्फी का लास्ट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा टेंथ में। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बर्फी। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं ईयर की बॉलीवुड की, और अपने चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के क्लिप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। बर्फी सन 2012 की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा और रोमांटिक मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनुराग बासु के थ्रू, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अनुराग बासु के थ्रू, और स्क्रीन प्ले भी अनुराग बासु के थ्रू किया गया है, और डायलॉग जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं संजीव दत्ता के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर के थ्रू, और मेन किरदार मूवी में निभाते हुए आपको नज़र आएंगे एलियाना डिक्रूज, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, सौरभ शुक्ला, आशीष विद्यार्थी, हरधन बंदोपाध्याय और जिशु सेनगुप्ता। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है रवि वर्मन के थ्रू, और एडिटिंग की गई है अवीक अली के थ्रू, एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी इशाना मूवीज़ और यूटीवी मोशन पिक्चर्स। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू, एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 14 सितंबर सन 2012 को। मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 150 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी 300 मिलियन रुपीस के बजट पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा बिजनेस हिट किया, और 1.75 से जो इसका मतलब आकी गई आंकड़ा है जो बॉक्स ऑफिस पर इसने हिट किया है वो 1.88 बिलियन रुपीस का इसने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया है।
साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूं तो मूवी ने आईएमडीबी पर भी अपनी छाप छोड़ी है और 10 में से आईएमडीबी ने 8.2 की रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी वाकई में बेहतरीन है और इस मूवी को अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मूवी के अंदर आनंद आने वाला है। एंड दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि यह मूवी सन 2012 में टॉप 10 मूवीज़ में से 6ठा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी भी है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के थोड़ा प्लॉट के बारे में कि मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है, मूवी की कहानी क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिल्म में 1972 और 1978 का वर्तमान का समय दिखाया गया है, मतलब तीन कहानी, एक तरह से तीन समय दिखाए गए हैं मूवी में, 1972 का, 1978 का और वर्तमान समय, तीन समय दिखाए जाते हैं। सभी दौर की कहानी एक साथ चलती रहती है जिसे कई लोग सुनते रहते हैं, इस वजह से यह फिल्म देखने ते समय दिमाग सिनेमाघर में लाना पड़ता है, मतलब जैसे कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो पूरा आपको फोकस इसमें करना पड़ेगा। दार्जिलिंग में रहने वाली बर्फी एक ड्राइवर का बेटा है, उसे संपन्न परिवार की श्रुति चाहती है जिसकी सगाई किसी और से हो चुकी है। श्रुति यह बात अपनी माँ को बताती है, माँ द्वारा अपनी बेटी को समझाने वाला दृश्य भी बेहतरीन इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। श्रुति को उसकी माँ ऐसी जगह ले जाती है जहाँ कुछ लोग लकड़ियाँ काटते रहते हैं, उसमें से एक की ओर इशारा करती हुई माँ कहती है कि जवानी में वह उसे चाहती थी लेकिन यदि उसके साथ शादी करती तो ऐसा आराम और सुविधा वह मतलब नहीं भोग पाती, ऐसी ज़िंदगी वो नहीं जी पाती। इस तरह से कई शानदार दृश्य फिल्में हैं जिनमें क्लाइमैक्स वाले दृश्य का उल्लेख ज़रूरी है। अनाथालय में झिलमिल को ढूंढते हुए बर्फी आता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। जब वह श्रुति के साथ वापस जा रहा होता है तब पीछे से झिलमिल उसे आवाज़ लगाती है लेकिन सुनने में SMS बर्फी को पता नहीं चलता कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। श्रुति यह बात अच्छे से जानती है कि यदि बर्फी झिलमिल का पता लगा लेता है तो बर्फी को खो देगा, वह बर्फी को खो देगी। यहाँ पर श्रुति की प्रेम की परीक्षा है कि वह स्वार्थी बन जाए और चुप रहे या उनके लिए अपने प्रेम की खुशी की मतलब उनको कुर्बान कर दे, इस टाइप का। फिल्म की कहानी थोड़ी छोट लेकर मतलब सीन लिखा गया है लेकिन फिल्म के अंदर फिर भी काफ़ी उमदा सीन है। तो दोस्तों अगर मतलब सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो फिर भी आप मूवी अगर देखते हैं तो डेफिनेटली मूवी आपको पसंद आएगी। और पूरी कहानी डिटेल में जानने के लिए आप मूवी देखिएगा। और इसके कुछ सॉन्ग्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सॉन्ग्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे लेकिन सॉन्ग ज़्यादा कुछ खास मूवी के हैं नहीं। मूवी के अंदर पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा मैं क्या करूं, दूसरा सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा फिर ले आया, और थर्ड सॉन्ग होगा आशियां, फोर्थ आशाएं, और फोर्थ सॉन्ग होगा क्यों, फिफ्थ सॉन्ग होगा आला बर्फी, एंड सिक्स सॉन्ग होगा फिर ले आया दिल, एंड सेवन्थ सॉन्ग मूवी में आपको देखने के लिएगा सवाली सी रात, एट्थ सॉन्ग होगा आशिया का ड्यूट वर्जन, और नाइन्थ सॉन्ग आपको फिर ले आया दिल का रिडक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, और आला बर्फी का लास्ट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा 10th वा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बर्फी। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं ईयर की बॉलीवुड की, और अपने चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के क्लिप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। बर्फी सन 2012 की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा और रोमांटिक मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनुराग बासु के थ्रू, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अनुराग बासु के थ्रू, और स्क्रीन प्ले भी अनुराग बासु के थ्रू किया गया है, और डायलॉग जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं संजीव दत्ता के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर के थ्रू, और मेन किरदार मूवी में निभाते हुए आपको नज़र आएंगे एलियाना डिक्रूज, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, सौरभ शुक्ला, आशीष विद्यार्थी, हरधन बंदोपाध्याय और जिशु सेनगुप्ता। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है रवि वर्मन के थ्रू, और एडिटिंग की गई है अवीक अली के थ्रू, एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी ईशाना मूवीज़ और
यूटीवी मोशन पिक्चर्स। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 14 सितंबर सन 2012 को। मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 150 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी 300 मिलियन रुपीज़ के बजट पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा बिजनेस हिट किया और 1.75 से जो इसका मतलब आकी गई आंकड़ा है जो बॉक्स ऑफिस पर इसने हिट किया है वो 1.88 बिलियन रुपीज़ का इसने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूं तो मूवी ने आईएमडीबी पर भी अपनी छाप छोड़ी है और 10 में से आईएमडीबी ने 8.2 की रेटिंग प्राप्त की है जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी वाकई में बेहतरीन है और इस मूवी को अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मूवी के अंदर आनंद आने वाला है। एंड दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि यह मूवी सन 2012 में टॉप 10 मूवीज़ में से छठा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी भी है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के थोड़ा प्लॉट के बारे में कि मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है, मूवी की कहानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिल्म में 1972 और 1978 का वर्तमान का समय दिखाया गया है, मतलब तीन कहानी एक तरह से तीन समय दिखाए गए हैं मूवी में, एक 1972 का, एक 1978 का और वर्तमान समय, तीन समय दिखाए जाते हैं। सभी दौर की कहानी एक साथ चलती रहती है जिसे कई लोग सुनते रहते हैं, इस वजह से यह फिल्म देखने समय दिमाग सिनेमाघर में लाना पड़ता है, मतलब जैसे कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो पूरा आपको फोकस इसमें करना पड़ेगा। दार्जिलिंग में रहने वाली बर्फी एक ड्राइवर का बेटा है, उसे संपन्न परिवार की श्रुति चाहती है जिसकी सगाई किसी और से हो चुकी है। श्रुति यह बात अपनी माँ को बताती है, माँ द्वारा अपनी बेटी को समझाने वाला दृश्य भी बेहतरीन इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। श्रुति को उसकी माँ ऐसी जगह ले जाती है जहाँ कुछ लोग लकड़ियाँ काटते रहते हैं, उसमें से एक की ओर इशारा करती हुई माँ कहती है कि जवानी में वह उसे चाहती थी लेकिन यदि उसके साथ शादी करती तो ऐसा आराम और सुविधा वह मतलब नहीं भोग पाती, ऐसी ज़िंदगी वो नहीं जी पाती। इस तरह से कई शानदार दृश्य फिल्में हैं जिनमें क्लाइमैक्स वाले दृश्य का उल्लेख ज़रूरी है। अनाथालय में झिलमिल को ढूंढते हुए बर्फी आता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। जब वह श्रुति के साथ वापस जा रहा होता है तब पीछे से झिलमिल उसे आवाज़ लगाती है लेकिन सुनने में ऐसा मत बर्फी को पता नहीं चलता कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। श्रुति यह बात अच्छे से जानती है कि यदि बर्फी झिलमिल का पता लगा लेता है तो बर्फी को खो देगा, वह बर्फी को खो देगी। यहाँ पर श्रुति की प्रेम की परीक्षा है कि वह स्वार्थी बन जाए और चुप रहे या उनके लिए अपने प्रेम की खुशी की मतलब उनको कुर्बान कर दे, इस टाइप का। फिल्म की कहानी थोड़ी छोट लेकर मतलब सीन लिखा गया है लेकिन फिल्म के अंदर फिर भी काफ़ी उमदा सीन है। तो दोस्तों अगर मतलब सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो फिर भी आप मूवी अगर देखते हैं तो डेफिनेटली मूवी आपको पसंद आएगी। और पूरी कहानी डिटेल में जानने के लिए आप मूवी देखिएगा। और इसके कुछ सॉन्ग्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सॉन्ग्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे लेकिन सॉन्ग ज़्यादा कुछ खास मूवी के हैं नहीं। मूवी के अंदर पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा मैं क्या करूं, दूसरा सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा फिर ले आया, और थर्ड सॉन्ग होगा आशियां, फोर्थ आशाएं, और फोर्थ सॉन्ग होगा क्यों, फिफ्थ सॉन्ग होगा आला बर्फी, एंड सिक्स सॉन्ग होगा फिर ले आया दिल, एंड सेवन सॉन्ग मूवी में आपको देखने के लिए सवाली सी रात, एट सॉन्ग होगा आशिया का ड्यूट वर्जन, और नाइन्थ सॉन्ग आपको फिर ले आया दिल का रिडक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा, और आला बर्फी का लास्ट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा 10th। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बर्फी। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं ईयर की बॉलीवुड की, और अपने चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के क्लिप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। बर्फी सन 2012 की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा और रोमांटिक मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अनुराग बासु के थ्रू, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अनुराग बासु के थ्रू, और स्क्रीन प्ले भी अनुराग बासु के थ्रू किया गया है, और डायलॉग जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं संजीव दत्ता के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर के थ्रू,
और मेन किरदार मूवी में निभाते हुए आपको नजर आएंगे एलियाना डिक्रूज, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, सौरभ शुक्ला, आशीष विद्यार्थी, हरनंद हरधन बंदोपाध्याय और जिशु सेन गुप्ता। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है रवि वर्मन के थ्रू और एडिटिंग की गई है अवीक अली के थ्रू एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी इशाना मूवीज़ और यूटीवी मोशन पिक्चर्स। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के थ्रू एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 14 सितंबर 2012 को। मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 150 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी 300 मिलियन रुपीज़ के बजट पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा बिजनेस हिट किया और 1.75 से जो इसका मतलब आखिरी का आंकड़ा है जो बॉक्स ऑफिस पर इसने हिट किया है वो 1.88 बिलियन रुपीज़ का इसने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूं तो मूवी ने आईएमडीबी पर भी अपनी छाप छोड़ी है और 10 में से आईएमडीबी ने 8.2 की रेटिंग प्राप्त की है जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी वाकई में बेहतरीन है और इस मूवी को अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मूवी के अंदर आनंद आने वाला है। एंड दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि यह मूवी सन 2012 में टॉप 10 मूवीज़ में से छठा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी भी है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के थोड़ा प्लॉट के बारे में कि मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है, मूवी की कहानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिल्म में 1972 और 1978 का वर्तमान का समय दिखाया गया है, मतलब तीन कहानी एक तरह से तीन समय दिखाए गए हैं मूवी में, एक 1972 का, एक 1978 का और वर्तमान समय, तीन समय दिखाए जाते हैं। सभी दौर की कहानी एक साथ चलती रहती है जिसे कई लोग सुनते रहते हैं, इस वजह से यह फिल्म देखने समय दिमाग सिनेमाघर में लाना पड़ता है, मतलब जैसे कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो पूरा आपको फोकस इसमें करना पड़ेगा। दार्जिलिंग में रहने वाली बर्फी एक ड्राइवर का बेटा है, उसे संपन्न परिवार की श्रुति चाहती है जिसकी सगाई किसी और से हो चुकी है। श्रुति यह बात अपनी माँ को बताती है, माँ द्वारा अपनी बेटी को समझाने वाला दृश्य भी बेहतरीन इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। श्रुति को उसकी माँ ऐसी जगह ले जाती है जहाँ कुछ लोग लकड़ियाँ काटते रहते हैं, उसमें से एक की ओर इशारा करती हुई माँ कहती है कि जवानी में वह उसे चाहती थी लेकिन यदि उसके साथ शादी करती तो ऐसा आराम और सुविधा वह मतलब नहीं भोग पाती, ऐसी ज़िंदगी वो नहीं जी पाती। इस तरह से कई शानदार दृश्य फिल्में हैं जिनमें क्लाइमैक्स वाले दृश्य का उल्लेख ज़रूरी है। अनाथालय में झिलमिल को ढूंढते हुए बर्फी आता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। जब वह श्रुति के साथ वापस जा रहा होता है तब पीछे से झिलमिल उसे आवाज़ लगाती है लेकिन सुनने में ऐसा मत बर्फी को पता नहीं चलता कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। श्रुति यह बात अच्छे से जानती है कि यदि बर्फी झिलमिल का पता लगा लेता है तो बर्फी को खो देगा वह बर्फी को खो देगी। यहाँ पर श्रुति की प्रेम की परीक्षा है कि वह स्वार्थी बन जाए और चुप रहे या उनके लिए अपने प्रेम की खुशी की मतलब उनको कुर्बान कर दे इस टाइप का। फिल्म की कहानी थोड़ी छोट लेकर मतलब सीन लिखा गया है लेकिन जिसमें लेकिन फिल्म के अंदर फिर भी काफ़ी उमदा सीन है। तो दोस्तों अगर मतलब सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो फिर भी आप मूवी अगर देखते हैं तो डेफिनेटली मूवी आपको पसंद आएगी और पूरी कहानी डिटेल में जानने के लिए आप मूवी देखिएगा। और इसके कुछ सॉन्ग्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सॉन्ग्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे लेकिन सॉन्ग्स ज़्यादा कुछ खास मूवी के हैं नहीं। मूवी के अंदर पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा मैं क्या करूं, दूसरा सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा फिर ले आया और थर्ड सॉन्ग होगा आशियां, फोर्थ आशाएं और फोर्थ सॉन्ग होगा क्यों, फिफ्थ सॉन्ग होगा आला बर्फी एंड सिक्स सॉन्ग होगा फिर ले आया दिल एंड सेवन्थ सॉन्ग मूवी में आपको देखने के लिए सवाली सी रात, एट्थ सॉन्ग होगा आशिया का ड्यूट वर्जन और नाइन्थ सॉन्ग आपको फिर ले आया दिल का रिडक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा और आला बर्फी का लास्ट सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा 10th। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा।